ओके चलिए स्टार्ट करते करें स्टार्ट। सब रेडी हो? यस सर, रेडी है। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? एक्चुअली मेरा लाइट चली गई तो मोबाइल से भी कनेक्ट किया मैंने। सबको आ आवाज रही है क्लियर है क्या? ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपन अपना टारगेट ये है कि अपन दो पार्ट में सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि आज अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी 11 के टॉपिक है उनका एक फॉर्मूला रिविजन टाइप कर लें। फॉर्मूला रिवीजन मतलब कि एक बार सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें, ताकि एक ही आप इसी नोट्स में सारे फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। आप भी देख लेना, शॉर्ट नोट बने हुए ऑलरेडी हैं आपके पास, इसमें से बनाना या फिर इसी को रेफर करना, जैसा भी करना आप कर लेना। ठीक है, तो इन दो पीडीएफ में अपने पास जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले सारे आ जाएंगे। एक बार ये फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो गए, फिर परसों से हम फुल सिलेबस पेपर चालू करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें फिर इन्हीं चीजों को आपको अप्लाई कर करके देखना है। तो एक बार फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट करें उसके पहले हम चाहते हैं कि सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। ऑलरेडी आपने अब तक बहुत सारे पेपर दे चुके हैं, आई थिंक बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ही। सी तो अपन वन टू वन बस इंटरेक्ट करते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप अपने मन में सोचते जाना। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में रफली लिखना। ठीक है, आपको अभी नोट्स नहीं बनाने, जैसे मैं बोलूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आप अपनी तरफ से ट्राई करके रफ में कॉपी में लिखने की कोशिश करना, फिर देखना कि आपने जो सोचा था और मैं जो बता रहा हूँ वो सही है गलत। आपको आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो फॉर्मूला आपको याद नहीं है उनको हाथों हाथ अभी याद करते करते आगे बढ़ जाना। क्लियर ओके सर। है? ओके okay. और कोई चीज और कुछ किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। एक सेकेंड ना, चलो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, 11 का टॉपिक। तो इसमें यहाँ पे मैंने सिलेबस भी डाल रखा है। कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक तो क्वाड्रेटिक में आपके पास देख लो, क्वाड्रेटिक में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। खैर सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन एक दो चीजें और एक्स्ट्रा जो हमको पढ़नी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द प्लेन, आर्गेन प्लेन, एलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अपने पास मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट है ना, और एलजेब्रा और आर्गन प्लेन, इन सब चीजों के बारे में हमको अच्छे से देखना है, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी हमें चीजें पता है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स अपन मान लें अल्फा बीटा, तो एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर हाँ ए सी अपॉन टू ए, है ना? ठीक यस है, सर, यस और सर, इसी इसी ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं डी, इस डी की वैल्यू पे सारी चीजें डिपेंड करती है। अब ये डी जैसा होगा वैसे मेरे रूट्स होंगे, पहली चीज तो ये। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशन, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं जो हमने बहुत बार देखे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मुझे बता दो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, सर माइनस बी बाय माइनस बी बाय माने प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी सी बाई ए, और कभी कभी डिफरेंस ऑफ द रूट भी काम आता है। एनीवन याद है किसी को? सर डिफरेंस ऑफ रूट मतलब लिया? इनका स्क्वायर कर देते हैं और अल्फा प्लस की बीटा माइनस टू फोर ए बी। तरीका निकालना भी आसान है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ द रूट कभी भी पूछेंगे तो यहाँ पे एक मॉड लगेगा, क्योंकि कि मुझे पता नहीं अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा, तो मॉड के टर्म्स में अगर देखो तरीका निकालना बहुत आसान है। अल्फा माइनस बीटा का आप होल स्क्वायर कर दो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, है ना? यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आ जाएगा। अगर फॉर्मूले के टर्म्स में याद करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी बाई ए, और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे मॉड, क्योंकि हो सकता है अल्फा बड़ा हो सकता है बीटा बड़ा, तो जो भी बड़ा वो हमारा आ जाएगा। फिर ये बस बेसिक चीजें इतनी आपको ध्यान रखनी है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, आपको हमेशा इस तरह की चीजें पूछेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, ठीक है, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर निकालो, है ना? तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को ब्रेक कर करके इन इसके टर्म्स में लिखना है। इसके टर्म्स में लिखने के बाद आप वैल्यू पुट अप कर सकते हो, है ना? बोलो यस सर।
ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको मोस्ट ऑफ द चीज आपको आती होगी, बस एक रिवीजन है अपना, एक बार ये अच्छे से रिवाइज हो गया सारी चीजें कॉन्सेप्ट आगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट हमने देख लिया। अच्छा अगर रूट्स पता हो और इक्वेशन लिखनी हो तो भी हमें आती है, आया ना? बोलो यस सर। क्या हो जाएगी सबसे पहले तो x स्क्वायर फिर प्लस के माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अगर रूट्स पता है इक्वेशन निकालने का तरीका, तो इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने हमारे अभी थोड़े दिन पहले हमने ये चैप्टर किया था, उसमें नोट्स में देखे थे काफी सारे क्वेश्चन इनके बेस पे आए हुए, इन सब के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये 2023 का ये क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, पूछा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बीटा, सर ये गिवन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए पूछा। अब देखो अगेन इसको ब्रेक करने का तरीका आपको आता ही है, हाँ ना? बोलो आ पाएगा, कैसे करोगे ब्रेक बताओ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को कैसे ब्रेक करोगे? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना? दो नंबर के स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हो आप, ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्या है बेसिकली अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप है। अगेन इसको क्या लिख दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए इंटू बी करोगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है मुझे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है, दोनों की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? इसको वापस से क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन हमने किया था, याद आ रहा है? यस यस सर, याद है। कहने का मतलब ये है कि इस बेसिक कांसेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, बस इसको ध्यान से अप्लाई करना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रॉपरली इसको अप्लाई करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन इससे। इसके बाद हमने एक न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? क्या था न्यूटन फॉर्मूला, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, अगर आया तो डायरेक्ट पता चल जाएगा हाँ न्यूटन फॉर्मूले से होगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा। ठीक है, तो न्यूटन फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर, अब कभी कभी हमको हायर पावर में जैसे किसी की पावर अल्फा बीटा की पावर n दे देते हैं फिर उसको बराबर n कर देते हैं, अपन को हायर पावर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है कभी कभी, a जैसे पूछा कि भाई a9 अपॉन a8 प्लस a7 इस तरह की कोई वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस a का मतलब क्या होता था, an का मतलब ये होता था अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या फिर प्लस भी यूज कर सकते माइनस भी, प्लस भी यूज हो सकता है माइनस भी यूज हो सकता है दोनों में। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पास में शोर हो रहा है, मैं हेडफोन लगा लेता हूं एक मिनट। आ रही है आवाज? यस सर। थोड़ा सा वहाँ पे पास में बिल्डिंग पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है। ठीक है, अब देखो फटाफट, तो यहाँ पे बताओ न्यूटन फॉर्मूले में क्या इक्वेशन मिलती है, asn plus bsn minus 1 plus csn minus 2 a into an लिख, या फिर चलो इसको vn नाम दे देते हैं, अपन ने क्या क्या वर्ड यूज किया था उस समय, sn करा था, sn sn, इसको अपन sn नाम देते हैं, अल्फा की पावर n प्लस प्लस बीटा की पावर n या फिर माइनस, जो भी क्वेश्चन में आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसको न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अपन क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए के साथ sn, फिर b के साथ sn माइनस 1, हां sn माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगी, फिर c के साथ sn माइनस 2,
ऐसा ही रहता था कुछ आता था? n माइनस टू आता था ऐसे, आपको करना नहीं है। ये जो क्वेश्चन ए बी सी, इनके साथ एक के साथ एस एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ एस एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ एस एन माइनस टू हो जाएगा। एस एन मतलब ये, अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा आपको, जैसे यहाँ पे मान लो ए नाइन ए एट ए टेन, तो आप एन बाद इसको इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे एन की वैल्यू आप क्या रख दोगे, नाइन रख दोगे, हायर अब आपको इन तीनों में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट, तो नेचर ऑफ द रूट सबको डिपेंड करता है डी पे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस डी की वैल्यू पे सबको डिपेंड करेगा डी, अगेन जो एक्स की वैल्यू आती है माइनस बेसिस पे हमारे ग्राफ बनते थे। ग्राफ में भी डिपेंड करता था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ये है इक्वल टू जीरो, तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ और d ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो, ग्रेटर देन लीडिंग कोएफिशिएंट बड़ा है ना जीरो से, तो ऊपर की साइड में बनेगा अपर क्वाड्रेंट में। वही, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और d ग्रेटर देन जीरो है तो सिर्फ दो जगह काटेगा, एक दो जगह कट करेगा, वेरी गुड, दो जगह कट करेगा और एक रूट होगा अल्फा दूसरी जगह बीटा, टी जीरो होगा तो बोलो सर एक जगह टच जगह कट करेगा, बस एक जगह टच करके चल जाएगा और लेस देन जीरो तो पूरा के पूरा ऊपर से चल जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, इसी में अगर लीडिंग क्वेश्चन ए नेगेटिव हुआ तो डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन डाउनवर्ड कटिंग टू जगह इक्वल टू जीरो टच करके जाएगा अगेन, और लेस देन जीरो पूरा की पूरा नीचे से निकल जाएगा, एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। और यहाँ पे दो केस काफी इंपॉर्टेंट होते थे, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ना, या फिर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो है तो के में कंडीशन बताओ, तो बताओ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो है तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? सर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। हाँ, क्या डी क्या होगा इसका? सर डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो, वेरी गुड। डी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव दिया है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर मतलब कंप्लीटली ऊपर मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए ऐसा, और ऐसे ग्राफ के लिए मेरा डी क्या होता है? लेस देन जीरो, है ना? यस सर। ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बोला है ग्रेटर देन जीरो तो इसमें क्या क्या कंडीशन है बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन बताओ जल्दी से। सर ए बड़ा होना चाहिए जीरो से और इसका डी जो है वो छोटा होना चाहिए जीरो से। इस पे ध्यान रखना हम लोग, और कोई भी क्वाड्रेटिक अगर लेस देन जीरो है कंप्लीटली लेस देन जीरो तो इसकी कंडीशन क्या आएगी? ए कम होना चाहिए जीरो से और डी भी छोटा होना चाहिए जीरो से, डी भी नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही केस में डी नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है दोनों ही केस में डी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एक ग्राफ में ऐसा बनेगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कंप्लीटली डाउन। ठीक है, दोनों केस में डी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है एक में ए पॉजिटिव एक में ए नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अगर कोई नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनानी है जिसके रूट से मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अज्यूम कर लेते टू अल्फा टू बीटा, ठीक है, तो वो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगी बताओ? एक्स को कैसे रिप्लेस कर देंगे? पुरानी वाली में एक्स को कैसे रिप्लेस कर देंगे? सेक्स बाय टू। हाँ, एक्स बाय टू से, वेरी गुड।
इसमें जहां पे जहां अगर मान लो रूट्स आपके टू अल्फा और टू बीटा है, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एक्स बाई टू। हाँ ये ऐसा क्यों कि अगर आप टू अल्फा को इक्वेट करो एक्स से, तो अल्फा कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा। हाँ है ना, यहाँ पे जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एक्स बाई टू, तो आपके पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आ रही बात समझ में सबको? यस बोलो। अगर पुरानी क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा और बीटा, नई क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x by 2। कोई बोलता है कि अल्फा by 3 है और बीटा by 3 है, तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेंज होगा, x की जगह 3x। वेरी गुड सर। अगर नई रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो तो? हाँ बता रहा हूँ एक एक करके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मान लो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हुआ तो क्या करोगे? रूट में आएगा, फिर उस रूट को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा वापिस मुझे बताओ कि अगर इक्वेशन के रूट से 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो 1 बाई एक्स। हाँ, x को कैसे इक्वेट करो, अब तक कैसे समझ में आ रहा है? अगेन x की जगह क्या रखोगे, 1 by alpha, तो यहाँ से alpha कितना आ जाएगा, 1 by x, तो इक्वेशन में alpha की जगह क्या रख देंगे, 1 by x। हाँ ना, अच्छा 1 by x रखोगे तो x नीचे आएगा, फिर LCM लोगों तो फिर quadratic बनेगी। हाँ ना, पहली बार में हो सकता है quadratic ना दिखे, क्लियर है? जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 by x रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, a by x square plus b by x plus c, फिर उसका LCM लोगे, सिंपलीफाई करोगे, तो आपको वो जो quadratic equation आएगी उसके रूट क्या हो जाएंगे, 1 by alpha 1 by beta। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड, एक दो चीजें और थी वो भी मैं यही बताता हूँ। और अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, बस यही तक काम का था। ठीक है, अच्छा ये हो तो जैसे मान लो अल्फा की जगह अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 आ जाए, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, तो अल्फा मतलब एक्स माइनस 3 और बीटा, एक्स माइनस 3, एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स माइनस 3। क्लियर हो रहा है? ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉमन रूट। कॉमन रूट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा, आ सकता है। ठीक है, केस को सॉल्व करना है, फटाफट उसको देख ले। तो सबसे पहले दो 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 केस रहते हैं, या तो एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, उसका एक रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बोथ रूट कॉमन। याद आ रहा ना सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर वन रूट कॉमन आता है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या तरीका सिखाया है आपको? सर दोनों को लिख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड जैसे यूज कर लेते हैं दोनों में, मतलब सेम अल्फा अल्फा इक्वेशन को आप लिख देना उसमें, अगर मान लो कॉमन रूट है अल्फा, तो अल्फा उसमें क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना। जैसे मान लो कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k square equal to 0, for example कोई भी random में ना, मैंने बोला one root common, तो one root common अगर मैंने बोला common root निकालना, तो क्या करोगे, x की जगह replace कर देना alpha, मतलब common root assume कर लेना alpha, common root क्या assume कर लेना alpha, पूरी equation alpha square में convert हो जाएगी, alpha square को eliminate करके क्या निकाल लोगे, alpha निकाल लोगे। हाँ है ना, common root निकल जाएगा। याद आ रहा सबको? बोलो। Yes sir। ठीक है, और अगर both root common हो गए, जैसे मान लो दो standard quadratic equation a1x square plus b1x plus c1 equal to 0, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले ये आते थे कि मान लो अपन को क्वेश्चन में कभी कभी ये बोला है कि भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, रैंडमली कुछ भी ले लिया मान लो प्लस, या फिर 3 इक्वल टू 0, या फिर वो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ गिवन है, वो बोला इसका वन रूट कॉमन है, क्या बोला है, वन रूट कॉमन, लेकिन इसमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर मान लो इरेशनल है, रूट्स कैसे हैं, इरेशनल, तो अपन क्या क्या इंटरप्रिटेशन अप्लाई करेंगे, अगर इरेशनल है वो कॉमन है, तो क्या बोल दोगे यहां से डायरेक्टली, सर दोनों रूट पोर्शन है, हाँ बोथ रूट्स कॉमन, फिर एक रूट कॉमन नहीं होगा, उसके क्या होंगे, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों
हाँ दोनों के दोनों क्वेश्चन में भले एक एक बोला होगा, लेकिन हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे उसके दोनों रूट को मानोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर रूट्स इरेशनल है तो कैसे अगर करेंगे, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर में। हाँ, जैसे मान लो एक रूट है ए प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी। ठीक है, तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो दूसरे दूसरे को अपने आप उसका कॉमन होना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको ऐसी इक्वेशन देंगे जिसमें या तो इरेशनल हुए, या फिर कभी कभी क्या बोले इसका डी नेगेटिव होगा। डी क्या होगा, लेस देन जीरो, मतलब इमेजिनरी रूट्स आया ना, बोलो सर। इमेजिनरी रूट्स भी ऐसा करेंगे कॉन्जुगेट पेयर में, एक अगर ए प्लस आयोटा बी हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो अगेन अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो क्वेश्चन में बोला गया वन रूट कॉमन, लेकिन उसमें से किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी अगर नेगेटिव है, या फिर रूट्स अगर इरेशनल है, या फिर इरेशनल मतलब जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो रूट के बाहर नहीं आ रहा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट के बाहर नहीं आ रहा है, तो उस केस में मेरा जो दोनों एक रूट कॉमन नहीं होगा कि दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। हाँ है ना, यस सर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक बहुत अच्छी एक यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ असर्शन रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और क्वेश्चन बोला गया इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये बोला गया, और फिर बोला गया देन रूट्स विल बी इरेशनल, देन द रूट्स विल बी इरेशनल, तो क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा, या फिर कोई कंडीशन होगी तभी ट्रू होगा। क्वेश्चन ये बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और उसका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मतलब समझते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब है ना, कोई ना कोई वैल्यू होगी 13, 14, 15 इस तरह की, ठीक है, और उसके तो रूट्स होंगे वो इरेशनल ही होंगे, क्या ये हमेशा जरूरी है क्या, बता क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो कोएफिशिएंट है ए बी सी वो कैसे है, ठीक है, क्योंकि अपना फॉर्मूला ध्यान से देखो एक सेकेंड, इसी में अपना तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू जीरो, अपना जो फॉर्मूला बनता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, हाँ है ना, क्लियर बोलो, यस सर, मतलब एक रूट होगा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, और दूसरा रूट होगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। अगर जैसे मान लो ये रूट डी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू अगर सेम हो गई तो ये कैंसल आउट कर देंगे ना एक दूसरे को, है ना, बोलो क्लियर है। अगर मान लो ये जो बी है इसको मैंने मान लो रूट इसकी वैल्यू रूट थ्री आ रही हो, तो बी को भी मैंने रूट थ्री क्वेश्चन में ले लिया और ये भी कितना रूट थ्री आया तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उस केस में आपके रूट फिर इरेशनल आएंगे क्या, बताओ? नो सर, नहीं आएंगे फिर तो, नहीं ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलते हो कि अगर ए बी सी आपके क्या कहते हैं, अगर ये रैशनल है, इसके कोएफिशिएंट रैशनल है, ए बी सी के कोएफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल, और आपका डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब हम बोल देंगे, तब मैं बोल सकता हूँ कि रूट कैसे होंगे ऑलवेज इरेशनल, रूट्स आर, तब मेरे रूट्स कैसे होंगे ऑलवेज इरेशनल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है, और इरेशनल हुए और उस केस में ही आपके कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, है ना, आ रही बात समझ में? तो वो जो अपन बोलते हैं उसके लिए कोएफिशिएंट ए बी सी कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रैशनल। क्या बात समझ आ रही है, बोलो सर? ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन कभी कभी बहुत काम आ जाएगी। देखो ये जो चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक, मैंने आपको पहले भी कहा था इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो इजी मीडियम लेवल का आएगा क्वाड्रेटिक का, और वो क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, कैसे भी करके उसका नंबर हमारा घटने नहीं चाहिए। अब ग्राफ में कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, इनका जो वर्टेक्स पॉइंट है, वो वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है यार, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है माइनस बी बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई फोर, है ना, दोनों ही क्लियर है सबको? यस सर,
ये ए ग्रेटर के अपवर्ड पैराबोला के लिए, ये डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो अगर अपवर्ड पैराबोला बना इस तरह से, तो वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन टू है, वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन फोर है, ये हमेशा पता होना चाहिए। इससे हम रेंज भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी रेंज बोलो तो बताओ इसकी रेंज क्या आएगी, वाई कहां से कहां तक आई करें सर, माइनस डी बाई फोर इससे मिनिमम वैल्यू वाई की कितनी हो जाएगी, माइनस डी बाई फोर है ना, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा फिर वाई, इनफिनिटी तक। और यहां पे रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव इनफिनिटी से माइनस डी बाई फोर, माइनस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी से मैक्सिमम माइनस डी बाई फोर है, क्लियर है। तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक, अब देखो ये चीजें बहुत इजी है लेकिन अप्लाई करने में भूल जाते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना हो तो रेंज निकालने में हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो वर्टेक्स पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना, माइनस डी अपॉन फोर ए, सबको याद रहेगा ना, बोलो ये अभी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। यहाँ पर रेंज हो गया। और दूसरी चीज, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ये ग्राफ होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो, ये सारा हमको काम आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब हम डिफरेंशिएट करके इनइक्वालिटी आती है, तो क्वाड्रेटिक बनती है हमारे पास। क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो, लेस देन जीरो की कंडीशन क्या आती है, ए लेस देन जीरो, डी बी लेस देन जीरो, और इसका ग्राफ ये रहेगा। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। जेई में सारे क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो ध्यान से, द एंट्री वैल्यू द इंटीजर के फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू 3k minus 1 into x plus 8k square minus 7, ये completely quadratic क्या है, बोला greater than 0, तो इसके लिए क्या condition apply की जाएगी? सर इसका d less than 0 कर दे, d less than 0, very good, d less than 0 कर दे, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, सर आवाज नहीं आ हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। ओके ओके ठीक है। हाँ ऐसा कभी ब्रेक हो तो मुझे बता दिया करना, ठीक है। चलो यहाँ तक पहुंच के समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। सर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लोकेशन ऑफ द रूट। तो लोकेशन ऑफ द रूट में हमको दो तीन कंडीशन जो ध्यान रखनी है, और इसपे क्वेश्चन भी इस पे भी आ सकते हैं, बस वो कंडीशन ध्यान होगी क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में अगेन वो बोलेगा ना कि लोकेशन ऑफ द रूट अप्लाई करो, आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, आपको रूट्स में कंडीशन देंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस के टर्म्स में दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बोलेंगे इफ द बोथ द रूट्स आर लेस देन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 2 अदर इज लेस देन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इस तरह की कंडीशन देंगे। और आपको फिर वहां पे लोकेशन ऑफ द रूट की कंडीशन अप्लाई करनी है, याद आ रहा है सबको, बोलो ठीक है। तो तीन तरह के लोकेशन ऑफ द रूट हमको जो ध्यान रखने, फटाफट एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप मुझे कंडीशंस बताने की कोशिश करना। फर्स्ट कंडीशन के बोथ रूट आर लेस देन के, दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, के से कम, पहला ये इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के। सेकंड कंडीशन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, सॉरी बोथ रूट्स आर यहां पे ग्रेटर देन के और यहां पे लेस देन के। और थर्ड कंडीशन, एक रूट के से ज्यादा है, एक रूट के से कम है। तो एक बार आप अपनी तरफ से इन तीनों की कंडीशन लिखो कॉपी में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में इन तीनों की कंडीशन खुद से लिखो।
लिख दिया। आया ना, बोलो। लिख दी, दो कंडीशन तो लिख दी। बाकी लोग? सर थर्ड वाले की समझ में नहीं आ रही कैसे लिखनी है। सोचो सोचो। ठीक है चलो फटाफट। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, यहाँ पे देखो एफ ऑफ की कितना आ रहा है पॉजिटिव। अब देखो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ है ना, दो केस बन सकते हैं। यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे ए लेस देन जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, यहाँ पे ए लेस देन जीरो और एफ ऑफ की कैसा आएगा नेगेटिव, हाँ है ना। दोनों की कंबाइन कंडीशन पहले क्या आएगी बोलो। एफ ऑफ की जो होगा वो मोर देन जीरो, हाँ कंबाइन कंडीशन ए इनटू एफ ऑफ के क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ना। देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, इस वाले ग्राफ पे ए नेगेटिव और एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो दोनों की कंबाइन कंडीशन क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। यस बोलो ठीक है। और इसके अलावा और कोई कंडीशन भी आती थी क्योंकि इस पे तो और भी ग्राफ बन सकते, इस पे तो ये ग्राफ भी बन सकता है ना। यहाँ पे भी एफ ऑफ के और ए पॉजिटिव, मुझे ये वाला ग्राफ नीचे, तो दूसरी कंडीशन क्या थी D greater than equal to zero. Very good. D कैसा होना चाहिए greater than equal to zero. बहुत बढ़िया। अच्छा इस केस, लेकिन इसके लिए एक ग्राफ और बन रहा था, फिर उन्होंने बोला अच्छा यहाँ अगर k मेरा यहाँ पे हुआ तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, k अगर इधर हुआ तो भी मेरा a into f of k क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो एक कंडीशन और कौन सी आएगी, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, या फिर ये जो k है ये माइनस बी बाई टू ए से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, है ना। के हमेशा इधर लाइक करना, क्योंकि अगर के इधर लाइक किया तो भी मेरा सेटिस्फाई करेगा इन दोनों कंडीशन को। तो लास्ट कंडीशन के लेस देन माइनस बी बाई टू, तो ये तीन कंडीशन हमको ध्यान रखना। क्लियर बोलो। यस सर। हाँ यहाँ पे सेकंड वाले में बता दो जल्दी से, फर्स्ट कंडीशन ये भी सेम होगा, हाँ फर्स्ट और सेकंड सेम होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लास्ट वाला क्या आ जाएगा सर, अलग के ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस बी बाई टू, बाकी सब क्या रहेगा सेम। ये पॉइंट आपका आता था पीक पॉइंट माइनस बी बाई टू है, ठीक है। तो इन दोनों में लगभग सेम रहता है, बस लास्ट कंडीशन चेंज होती है। और ये जो तीसरा वाला था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यूनिक है यहाँ पे आपका जो है एक ए पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन है और ए नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है, ये कि अगर एक रूट मतलब बेसिकली के अल्फा और बीटा के बीच में हुआ तो यहाँ पे ए नेगेटिव के लिए कंडीशन, यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव, यहाँ पे एफ ऑफ के, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव और यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव, दोनों की कंबाइन कंडीशन क्या आएगी, ए एफ ऑफ के नेगेटिव, नेगेटिव। देखो यहाँ पे ए का प्रोडक्ट और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जरूरत है ना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है, क्योंकि इसके अलावा कोई और इसका ग्राफ नहीं बन सकता, इस कंडीशन पे सिर्फ यही एक ग्राफ बनेगा। क्लियर है, ए इनटू एफ ऑफ के लेस देन जी, बोलो क्लियर सबको। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या, मतलब लोकेशन ऑफ द रूट्स वो सिलेबस में नहीं दे रहा, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे पूछ ही सकता है कि इफ द बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, एक रूट के से ज्यादा एक रूट के से कम, तो बता कंडीशन क्या होगी, क्या ये बात सबको समझ में आए कि नहीं। ठीक है, यस सर। ओके, तो इस तरह से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा एक दो चीजें और जो कभी कभी इक्वेशंस में यूज हो जाती है वो भी मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ इस चैप्टर की। पहली चीज, मान लो मुझे कभी कभी कोई बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन गिवन है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसके रूट्स के बारे में कमेंट करने को बोला है, तो क्या आप इसका रूट्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो, इसके रूट्स कैसे होंगे या फिर क्या होंगे कैसे नहीं। सर एक रूट माइनस वन होगा। वेरी गुड, ए माइनस बी प्लस सी अगर इक्वल टू जीरो ऐसी कंडीशन आपको दिखे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसका एक रूट वन ऑफ द रूट क्या होगा माइनस वन। देखो क्या सबको समझ में आ रहा है, माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। yes.
यस पे एक्स की जगह माइनस वन रख दोगे, एक्स की जगह माइनस वन रखोगे तो देखो ए माइनस बी प्लस सी जीरो के बराबर आ जाएगा। देखो तो कोई क्वाड्रेटिक के लिए ए माइनस बी प्लस सी जीरो मतलब इसका एक रूट क्या होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट प्रिडिक्ट करना है ए माइनस बी प्लस। अच्छा दूसरा रूट क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? सम ऑफ रूट से। हाँ सम से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। जैसे प्रोडक्ट से ज्यादा आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, सी बाय ए। सी बाई ए, एक रूट ऑलरेडी अपन ने वन मान लिया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए। आया ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अगर ये बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोएफिशिएंट का सम जीरो है, तो उस केस में क्या बोलोगे? वन रूट प्लस वन होगा। हाँ एक रूट, वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, वन, वन ऑफ द रूट विल बी वन। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, बहुत ही बार एग्जांपल में हमने जैसे इस तरह की इक्वेशन देखी थी, a माइनस बी का x स्क्वायर प्लस b माइनस c का x स्क्वायर प्लस c माइनस a इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, इसके बारे में कमेंट करने को बोला। देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिकल है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, तो x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ध्यान से, आया ना? यस सर। ठीक है, दिल्ली आके बीमार पड़ गया, खांसी जुकाम हो गया रात भर में, इसलिए आपकी सुबह की क्लास भी शिफ्ट करनी पड़ी मेरे को। वो एक दो बच्चों का मैसेज भी आ गया था कि सर लेट ले लो, वो मेरी भी हालत खराब थी। आप लोग ध्यान रखना यार, दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्लियर है सबको? yes, इसको क्या रखते हैं, वन रखते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरह की चीजें अगर आती तो हमें ध्यान रखना। अच्छा, और अगर मैं बोलता हूँ ये एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते इसमें, क्योंकि बहुत काम आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इफ ए और सी का साइन अपोजिट है, मतलब ए पॉजिटिव तो सी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव तो सी पॉजिटिव, मतलब साइन क्या है, अपोजिट, तो मैं रूट्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूँ? सोच के बताओ ध्यान से। सर प्रोडक्ट हमेशा लेस देन जीरो आएगा। वेरी गुड, प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसका मतलब रूट्स भी कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, है ना? यस सर, है ना। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना? यस सर, रूट्स भी कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। ठीक है, तो ए और सी अगर ये अपोजिट साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ए का कोएफिशिएंट और सी अगर ये अपोजिट साइन है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो होगा, मतलब उसमें एक एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन के। अच्छा कभी कभी ये बोलता है इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उस केस में क्या कंडीशन है? इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उनका प्रोडक्ट वन होना चाहिए। हाँ रेसिप्रोकल ईच अदर के मतलब प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वन, है ना? अगर एक रूट टू दूसरा रूट वन बाय टू, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, वन, मतलब सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, मतलब ए और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर? यस। ठीक है, अच्छा ये कभी कभी क्यूबिक में भी कुछ चीजें काम आ जाती है। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये तो आप कर लेना। अच्छा मुझे बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड टी सच दैट वन रूट इज लेस देन टू एंड अदर इज ग्रेटर देन टू, कौन सी कंडीशन? बताओ अभी सिखाया आप। सर ए एफ ऑफ एक्स नेगेटिव। हाँ ए इनटू एफ ऑफ की क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना? ए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, वन, और के मतलब टू, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2t into 2 माइनस 1 नेगेटिव, और यहाँ से आपका t आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और अभी अपन ने सीखा था एक रूट ग्रेटर देन 2, एक रूट लेस देन 2, तो a into f of k less than, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकते हैं। अब ये देखो अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ f फॉर व्हिच द बोथ द रूट्स एक्सीड 3, इसकी कंडीशन। A into f of x positive था। A into, अब देखो A already कितना given है, 1, ठीक है? तो A into f of 3 क्या होना चाहिए? Exceed 3, देखो exceed 3 मतलब 3 से ज्यादा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो A into f of 3 बताओ कैसा होगा? Positive। पहली condition, second condition? कि मतलब 3 जो है minus b by 2 a से मतलब greater than and equal to 0। 3 कैसा होना चाहिए? More than minus less than minus b by 2। well, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करना, और तीनों को क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन, है ना? तीनों कंडीशन का अप्लाई करना,
तीनों का जो आंसर आएगा उनका अपन क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे बता दो फटाफट, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा और गामा, इनके रूट्स और क्वेश्चन में भी रिलेशन होता सम ऑफ द रूट, बताओ। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, सी बाई ए, सी बाई ए, और तीनों एक साथ ले लेंगे तो माइनस डी बाई ए। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो होता है, हमेशा टेकन वन एट अ टाइम, एक बार सिंगल बार लिया, दो बार लिया और तीनों एक साथ ले लिया, और स्टार्ट कहां से होगा, यहां से माइनस प्लस माइनस, तो सबसे पहला आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, फिर अगला आंसर प्लस सी बाई ए, फिर अगला आंसर माइनस डी बाई ए। अभी कितनी भी हायर डिग्री हो सब में यही फॉलो होता है ना। यस सर। अब जैसे बाई क्वाड्रेटिक भी अगर अपन ने ले ली, फटाफट देख लेते हैं, इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, टेकन वन एट अ टाइम, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, टेकन टू एट अ टाइम, सी बाई ए, बी बाई ए, टेकन थ्री एट अ टाइम, कवर कर ली, ग्राफिकली भी चीजें थोड़ा ध्यान रखना है ना। और अच्छा अच्छा एक चीज और, क्यूबिक के केस में मैं अगर ये बोलू के दो रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तीन रूट है मान लो उसमें दो रियल और एक इमेजिनरी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सर नहीं सर, नो सर, क्योंकि कभी भी आपका इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में अकर करेंगे, या तो दो, या तो क्या होगा, होगा ही नहीं, या फिर दो होगा, या फिर चार होगा, या फिर छह होगा, है ना। कभी भी सिंगल इमेजिनरी रूट होगा क्या? नो सर, नो सर, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या क्यूबिक का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर सकता है क्या? अगर दो रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब क्यूबिक का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा क्या? या तो एक जगह कट करेगा या तीन जगह, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो तीन जगह कट करेगा, या फिर ग्राफ क्या होगा सिर्फ टच करके चला जाएगा, या तो एक जगह कट करेगा, कभी भी दो जगह कट नहीं करेगा, है ना। मतलब और डिग्री पॉलिनोमियल की कभी भी, मतलब इस तरह से अगर आया तो और रूट होंगे तीन एक, आया ना, क्लियर हो गया? ठीक है चलो, ये सारी चीजें हैं, अगर ज्यादा हैवी तो नहीं लगी होगी, सब क्लियर है ना यहाँ तक? बोलो। यस सर। या वो क्या हो गया क्वाड्रेटिक, फटाफट कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? आयोटा से, आया ना। आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस वन, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने, जैसे कोई भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, इमेजिनरी केस में, जब डी अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गई उस केस में हमें इस चीज को डील करना, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आयोटा। आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हमने आयोटा डिफाइन कर दिया, इसकी पावर हमको ऑलरेडी पता ही, आयोटा की पावर वन को आयोटा लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर, बोलो, माइनस वन, आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर फोर, कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, क्लियर है? तो आपको क्या करना, आयोटा कभी भी हायर पावर पूछे फोर से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर अगर वन आएगा तो आयोटा, रिमाइंडर टू आएगा तो माइनस वन, रिमाइंडर थ्री आएगा तो माइनस आयोटा, और एक और प्रॉपर्टी, इन चारों का सम कितना हो जाएगा, जीरो, 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 जीरो। मतलब कंसेक्यूटिव आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर, चार कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा कितना होगा, जीरो, पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, किसी भी चार कंसेक्यूटिव पावर ले लो आयोटा की, उनका सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ वन अपॉन आयोटा की पावर 431, ठीक है, इसको निकाल सकते हो, ऊपर पहले फोर से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर देख लेना और फिर देख लेना क्या आंसर आएगा, है ना। यस सर। ओके, ये तो हो गया चला आयोटा के बारे में। अच्छा कब एक चीज और हमने आपको मैंने बताई थी कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ये सब जगह वैलिड है, बस एक जगह को छोड़ के, कब वैलिड नहीं होता ये, जब
सर दोनों इमेजिनरी सर दोनों में इमेजिनरी जब दो हाँ मतलब बोथ आर ए और बी कैसे होने चाहिए कॉम्प्लेक्स अपोजिट से अपोजिट नहीं अपोजिट होंगे तो वैलिड है बोथ आर नेगेटिव ठीक है मतलब दोनों नेगेटिव हो तब ये वैलिड नहीं बाकी सब जगह वैलिड है जैसे एग्जांपल ले लो जैसे मैंने बोला मैंने रूट फाइव इंटू रूट ऑफ माइनस थ्री इसका आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस फिफ्टी क्लियर है ये ट्रू है इस केस में क्या आएगा अंडर रूट फिफ्टीन आयोटा और यहाँ पे भी क्या होगा रूट रूट फाइव इंटू रूट थ्री तो अंडर रूट फिफ्टीन आयोटा तो यहाँ पे क्लियर है कोई दिक्कत नहीं दोनों पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा रूट थ्री इंटू रूट फाइव इंटू अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा माइनस 50 और यहाँ पे कितना आ रहा है 50 तो यहाँ पे वैलिड है क्या नो है ना रूट ऑफ रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी ये सब जगह वैलिड है एक्सेप्ट जब दोनों क्या हो नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब ये वैलिड है मतलब अगर दोनों बोथ आर नेगेटिव उस केस में क्या वैलिड होगा रूट ए इंटू रूट बी का प्रोडक्ट माइनस रूट ए बी की क्या होगा बराबर अगर बोथ आर नेगेटिव बाकी सब जगह तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्लियर है यस सर ओके तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी और यहाँ पे ए और बी में क्या कंडीशन होती है ए और बी कैसे हो सकते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं कि सिर्फ रियल होना जरूरी है ध्यान रखना ए और बी ऑलवेज बिलोंग्स टू आर ए और बी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए रियल मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ए और बी कैसे होने चाहिए रियल होने चाहिए है ना एक पार्ट आपका रियल हो गया दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी हो गया क्लियर सर ठीक है अब अच्छा मैं ये बोलूं अगर 2 प्लस 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 5 प्लस 7 आयोटा इज इट ट्रू और फॉल्स सर फॉल्स क्यों फॉल्स बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनइक्वालिटी नहीं होती वेरी गुड बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम इनइक्वालिटी को वैलिड नहीं कराते यहां पे हम आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी के बारे में कुछ देखा है क्या तो क्या यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है yes, sir. Yes, sir. Okay. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे रियल पार्ट रियल के बराबर होगा इमेजिनरी इमेज तो x माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर फोर फोर और माइनस y की वैल्यू किसके बराबर आप कर सकते हो ठीक है अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के बारे में अभी हमने देखा अगर इसको इसके एलजेब्रा की बात करें तो क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आता करना डायरेक्टली रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करते टाइम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे बस और कुछ भी नहीं ओके अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू सपोज थ्री प्लस फोर आयोटा ठीक है अब इसके और भी चीजों के बारे में अगर मुझे डील करना कहीं ना कहीं इसको प्लॉट करना पड़ेगा प्लॉट करते हैं हम किस प्लेन में आर्गन प्लेन में आया ना इस प्लेन को क्या बोलते हैं आर्गन प्लेन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं रियल एक्सिस रियल एक्सिस और वर्टिकल हो जाती मेरी इमेजिनरी एक्सिस है ना तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ये इसको यहाँ पे प्लॉट करना है फिर यहाँ पे बताना है कि क्या होगा तो क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में 3.4 हाँ मतलब क्या होगा एक पॉइंट होगा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में क्या डिनोट करेगा एक पॉइंट जहाँ पे ये 3 हो गया ये 4 हो गया इमेजिनरी पार्ट 4 है रियल पार्ट 3 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में क्या डिनोट करेगा पॉइंट को डिनोट करेगा जेड हो गया क्लियर हो गया यहां तक है ना बोलो यस सर अच्छा इसको अगर मैं ओरिजिन से जॉइन कर दूं ये मान लो पॉइंट है ए ये पॉइंट है ओ तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस मॉड्यूलस ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है अच्छा और ये जो एंगल है ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट आर्गुमेंट और एंगल हमेशा कैसे मेजर करते हैं
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ये मेरा क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ ये मेरा क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ तक हो गया, कम समझ में आ गया सबको। इक्वेलिटी ऑलरेडी पता, एडिशन सब्ट्रैक्शन पता, मल्टीप्लिकेशन डिविजन पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हमें दिया। अब देखो इसका भी जो सिलेबस है मेंस लेवल पे काफी कम है, उस मेंस लेवल के सिलेबस को भी अगर आपने ढंग से कर लिया, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए, तो ये जो दो चैप्टर है इनके क्वेश्चन सही होने के काफी ज्यादा चांस है। अच्छा, अगर आपको मैं बोलू ट्वेल्थ में जहां तक सही होने के चांस है, तो वेक्टर 3D खासकर 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएंगे आपको, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते। इसलिए 3D को छोड़ के मत जाना, 3D के क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करके आना। एक आधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा इससे, एक आधा ऑब्जेक्टिव में, दो क्वेश्चन तो 3D के आपके आ ही सकते हैं। और इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया तो और भी कम चीजें है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना 3D। अच्छा, कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट इसके बारे में हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर ये मान लो कॉन्जुगेट जेड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जेड कॉन्जुगेट कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के जस्ट नीचे। रियल पार्ट तो दोनों का देखो क्या रहता है, सेम। देखो दोनों का रियल पार्ट क्या है, सेम है, और इमेजिनरी पार्ट एक का है बी और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, माइनस बी। तो अगर एक फर्स्ट में तो दूसरा कहां पे आ जाएगा, फोर्थ में। एक का आर्गुमेंट अगर थीटा तो दूसरे का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस थीटा। माइनस थीटा नीचे कितना आ जाएगा, माइनस थीटा। क्या दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा, यस सर, यस सर, दोनों का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम। तो कॉन्जुगेट और जेड आज पूरे एनर्जी लगने वाली, क्योंकि कंटिन्यूस मुझे बोलना है, सबको समझ में आ रहा है ना, जेड को जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है जिसपे बहुत भर भर के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टी है जो एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए, एक एक करके सारे डील कर, भूल भी जाओ तो याद होना चाहिए। अगर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या है, बोलो, वॉइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, 2 into real part। अगर देखो ऐड करोगे तो ये कंसर्न हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा ना, हाँ है ना, बोलो, अरे बोलो, हाँ है ना, यस सर, यस सर। और अगर मान लो कोई बोलता कि, कोई बोलता है कि भी जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट मतलब उसका इमेज रियल पार्ट आ रहा है, और अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 into imaginary part। वेरी गुड, 2 iota into imaginary part है ना, आयोटा भी रहेगा, क्लियर है, 2 iota into इसका इमेजिनरी, मतलब 2b iota आएगा, क्लियर है, इन सब्सट्रैक्ट करने पे। तो अगर मेरे को ये बोलता है कि इफ जेड इज प्योरली रियल तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, प्योरली रियल के केस में क्या कंडीशन अप्लाई करो, क्वेश्चन में अगर बोलता प्योरली रियल तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब उसका जेड और जेड कौन, देखो प्योरली रियल के केस में जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देखो अगर प्योरली रियल है तो जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम है ना, तो या फिर ऐसा बोल सकते प्योरली रियल तो मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट है ना, यस सर, जेड और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो उस केस में कंडीशन जेड इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट जीरो, हां, या फिर प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट अगर जीरो मतलब ये वाला पार्ट जीरो, प्योरली इमेजिनरी मतलब यही कि जेड इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट या फिर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना। अब ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी, डायरेक्टली कभी कभी क्या होगा, ऑप्शंस आपको इस तरह से देंगे कि जेड प्योरली रियल है, जेड प्योरली इमेजिनरी ऑप्शन में देंगे या फिर क्वेश्चन में दे देंगे, तो उस केस में आपको ध्यान होना कि कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, क्लियर है, बोलो, ठीक है। देखो फटाफट यहाँ पे देख लिया मैंने सारा चीजें, कॉन्जुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब जगह अलग अलग कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में दिए उसका होल कॉन्जुगेट है तो दोनों को अलग अलग कर देना, सब्ट्रैक्शन में है तो अलग अलग कर देना, प्रोडक्ट में है तो अलग अलग कर देना, डिवाइड में है तो भी अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर है। प्योरली रियल तो जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल, प्योरली इमेजिनरी जेड इज जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू
क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए प्लस आयोटा बी के साथ, अगर ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। हाँ है ना, याद है हमको ये बात? तो बोलो। यस सर। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पावर के केस में, क्या पावर के केस में कॉन्जुगेट अलग अलग हो सकता है? है ना, जेड की पावर एन का कॉन्जुगेट पूछा, इससे अच्छा क्या निकालो, जेड कॉन्जुगेट निकाल के उसकी पावर एन कर दो, दोनों में पावर में भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अलग अलग। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जेड इनटू, अच्छा जेड इज यूनि मॉड्यूलर, कभी कभी ये वर्ड यूज होगा यूनि मॉड्यूलर। यूनि मॉड्यूलर मतलब बोलो, यूनि मॉड्यूलर कितना होगा उसका? वन। उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते वन बाई जेड, और जहां जहां भी जेड है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते वन बाई जेड कॉन्जुगेट। और ये क्वेश्चन में बहुत सी बार काम आता है, कभी कभी आपको ये कंडीशन अगर दे तो आपको ये ध्यान रखना की जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर वन है तो ये रिप्लेस, मतलब बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर 1 है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये सारी कंजुगेट की प्रॉपर्टी होगी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आर्गेंटन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया केसेस को प्लॉट करना है, क्या नहीं प्लॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉड्यूलस ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कि किसी भी चीज का मॉड्यूलस का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी पड़ा उसको ओरिजिन से अगर मैं जॉइन कर दूंगा जो डिस्टेंस होगा ये डिनोट करेगा मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, ओके। और मॉड्यूलस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉड्यूलस बता दो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा, मॉड्यूलस प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग किया जा सकता है कि नहीं? अगर जेड वन जेड टू जेड थ्री मान लो या फिर दो है इनका मॉड्यूलस है तो क्या अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ जेड वन निकालो, जेड टू निकालो, जेड थ्री अलग अलग निकाल के काम कर दो। अच्छा, डिवाइड में इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएंगे, इसका मॉड्यूलस बताओ। ठीक है, तो आप क्या इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर मॉड्यूलस निकालोगे क्या? क्या करोगे, अलग अलग मॉड्यूलस निकाल सकते हो। मान लो ये जेड वन है, ये जेड टू है, ये जेड थ्री है, तो जेड का जो मॉड्यूलस निकालना है आप क्या करोगे, जेड वन का मॉड्यूलस इनटू जेड टू का मॉड्यूलस निकालना, उसका होल स्क्वायर आंसर का स्क्वायर कर देना, और जेड थ्री का मॉड्यूलस निकाल के आंसर का क्या कर देना, क्यूब कर देना, क्योंकि मॉड्यूलस के पावर में भी अलग अलग हो जाता है। मॉड्यूलस में पावर भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कहने का मतलब क्या है, तो कॉन्जुगेट में तो सब कुछ कर सकते हैं, कॉन्जुगेट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन पावर वावर सब जगह अलग अलग कर सकते हो, ध्यान रखना कॉन्जुगेट सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन मॉड्यूलस प्रोडक्ट और डिवाइड में अलग होगा, पावर में अलग होगा, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता है? नहीं सर। एडिशन में तो फिर आपकी क्या होगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वर्क करेगी, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उस केस में फिर आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इफ सम ऑफ द टू साइड इज लेस ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो जेड वन प्लस जेड टू अगर है दिस इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू, इक्वल भी आ सकती है अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाइक करें। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस के बारे में प्रॉपर्टीज, इनको आपको एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्ग्यूमेंट, सिलेबस में तो खैर इतना ही दिया होगा उन्होंने। आर्ग्यूमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, ये मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो मेरा क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कौन सा कन्वेंशन, माइनस पाई से पाई वाला। माइनस पाई से पाई वाला के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं अगर ये बोलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर अल्फा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मान लो ये बात करूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसके मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर अल्फा मान रहा हूं, मतलब जेड इक्वल टू अगर मैं अज्यूम करता हूँ ए प्लस आयोटा बी,
फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मतलब टेन अल्फा, ये वैल्यू कितनी होगी मॉड ऑफ बी बाई ए है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप क्या इक्वल होगा टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अगर ए और बी को दोनों को पॉजिटिव मानो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा, तो अगर थीटा के टर्म्स में लिखे तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा डायरेक्टली अल्फा, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ में माइनस अल्फा माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, बस यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर देना, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस है ना, ऊपर के नीचे के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आया ना? यस सर। अच्छा इसमें अगर 2n पाई भी मैं लिख दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2n पाई वापस घूम फिर के वहीं आ जाएगा, क्लियर है? 2n पाई मतलब 360 अगर उसको रोटेट कर दोगे तो वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा, तो प्लस 2n पाई भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये था आपका आर्गुमेंट, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कैसे हुआ? कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा। हाँ, वो माइनस पाई प्लस अल्फा कैसे हुआ? एक्चुअली अपन क्या करते हैं कि थर्ड और फोर्थ के लिए मैं क्लॉकवाइज सेंस ले लेता हूँ, तो अगर मान लो मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया अल्फा, तो ये एंगल का मेजर कितना होगा टोटल पाई और ये अल्फा, तो ये एंगल का मेजर कितना होगा पाई माइनस अल्फा होगा, है ना? ये टोटल पाई है तो ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा होगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल के साथ ये वाला एंगल, बोलो। यस सर। लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अपन क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव मानते, क्लॉकवाइज को अपन क्या मानते? नेगेटिव मानते। क्लियर? बोलो बोलो जल्दी से, आ रही बात समझ में? यस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फटाक से अगर मैं बोलूं जेड इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, तो बताओ इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 5 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। आर्गुमेंट tan इनवर्स 4/3 4/3। सबसे पहले तो क्या निकालना? अल्फा निकाल। अल्फा मतलब पॉजिटिव एंगल, tan इनवर्स मॉड b / a है ना, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स मॉड b by a, तो tan inverse 4/3 mod लगा दे positive, तो positive angle कितना आ जाएगा 4/3। अभी z किस quadrant में lie कर रहा है? second quadrant में argument क्या होता है? pi minus alpha, तो जाएगा answer कितना? pi minus tan inverse कितना आ जाएगा? 4/3। clear हो गया? बोलो। okay, yes sir। बहुत अच्छे से इन सब चीजों को ध्यान रखना। first quadrant में डायरेक्टली थीटा अल्फा के बराबर ही होगा, अल्फा मतलब पॉजिटिव, टेन इनवर्स मॉड बी बाई ए, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में माइनस अल्फा, ये आपके आर्ग्यूमेंट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के चारों क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल आ गए जैसे जेड इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, तो बताओ इसका मॉड्यूलस कितना होगा? 5। मॉड्यूलस कितना होगा 5? आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू देखो कहाँ पे लाई करेगा, माइनस फाइव आयोटा मतलब यहाँ पे लाई करेगा माइनस फाइव आयोटा, तो डिस्टेंस ये कितना हो गया 5 और आर्गुमेंट कितना हो गया माइनस पाई बाई टू। क्लियर? यस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की बात करें तो प्रोडक्ट में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू उसका होल आर्ग्यूमेंट है तो प्रोडक्ट वाला कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? प्लस में टूट जाता है। डिवाइड में है और होल आर्ग्यूमेंट है तो दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट लगा के माइनस, पावर आपकी आगे आ जाएगी और कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक फर्स्ट में दूसरा फोर्थ में होता है, याद आ रहा है? बोल दो जल्दी से। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, कॉन्जुगेट में नेगेटिव पावर अगर है तो एन आगे आपका आ जाएगा, डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो एड हो जाएगा, तो इन सब चीजों का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। ये सब चीज कैसे हुई? जब हमने इसको पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयोटा बी तो उसको दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे इसको? कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में। हाँ, तो आर आर के साथ क्या लिखोगे?
होगा वहां पे थीटा आपका क्या है आर्ग्यूमेंट और आर क्या है ठीक है। अच्छा इसको यूलर फॉर्म में एक और फॉर्म में बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था वो भी यहाँ पे आर तो आर ही रहेगा लेकिन इसको कैसे रिप्लेस कर दिया e की पावर आयोटा थीटा आयोटा थीटा वेरी गुड। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हायर पावर में आए और तो मैंने आपको यही बोला हायर पावर में आए तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो e की पावर में और हायर पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डील करना आसान होता है क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है क्लियर है। तो e की पावर आयोटा थीटा में इसको कन्वर्ट कर देना थीटा ध्यान से अगेन थीटा मेरा क्या है आर्ग्यूमेंट है और आर मेरा क्या है मॉड्यूलस थीटा आर्ग्यूमेंट है और आर मेरा क्या हो गया मॉड्यूलस हो गया। अच्छा यहाँ से एक दो चीजें कभी कभी और काम आ जाती है कि अगर मैं ये बोलूं सपोज मैं बोलता हूं जेड इक्वल टू वन इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो एक बार और सॉरी यूलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में जेड इक्वल टू वन जेड इक्वल टू वन की मैं बात करूं तो इसका मॉड्यूलस कितना है वन आर्ग्यूमेंट कितना है जीरो वन मतलब कहां पे लाई करेगा यहां पे लाई करेगा आर्ग्यूमेंट जीरो तो यहां पे आप जीरो रख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा तो जीरो डिग्री या फिर एन पाई यस सर एन पाई लिख सकते हैं नहीं सर जीरो ही आएगा क्यों 2n पाई लिखने में कोई दिक्कत सर यहाँ पे cos और sin में नहीं है ना तो 2n पाई 0 के इक्वल नहीं होगा वो cos नहीं कर सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको क्या कहा हर एंगल में आप 2n पाई ऐड कर सकते हो यहाँ पे भी फॉर्मूले में भी मैं 2n पाई ऐड करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता 2n पाई मतलब कंप्लीट रोटेशन कर रहा है ना तो आप रख के देख लो यहाँ पे थीटा की जगह 2n पाई रखो थीटा की जगह 2n पाई रखो तो sin 2n पाई कितना हो जाएगा जीरो यस सर cos 2n पाई कितना हो जाएगा वन यस सर R1 है तो आप इसको e की पावर आयोटा 0 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर 2n पाई भी लिख सकते हो हाँ है ना क्योंकि 2n पाई पे cos की वैल्यू 1 होती है sin की वैल्यू कितनी होती है 0 क्लियर है सबको तो z इक्वल टू 1 पर कैसे लिख सकते हैं या तो cos 0 प्लस आयोटा sin 0 या फिर cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई ठीक है ओके ये हो गया ठीक है। अच्छा एक चीज और जैसे यहाँ पे वैसे काम तो नहीं आता है लेकिन बस एक रिलेशन है ध्यान रखने के लिए e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू हमने क्या देखी अभी बोलो cos थीटा cos sin थीटा अगर मैं बोलता हूं e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगा थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे ज्यादा भी थीटा उसकी जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दोगे यस सर है ना तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा आएगा माइनस है लेकिन cos में नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता नो सर यस सर माइनस ऑफ sin थीटा क्लियर है। अच्छा yes, यहाँ से इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू अगर मुझे पूछता है cos थीटा यहाँ से कितना होगा तो क्या करूंगा वन और टू को क्या कर दे ऐड कर देंगे sir. को ऐड कर दोगे तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा ऐड करोगे तो टू cos थीटा आ जाएगा टू इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हाँ है ना यस सर और sin थीटा पूछेंगे तो वन और टू को क्या कर देंगे सबट्रैक्शन टू साइन थीटा बनेगा टू से क्या कर देंगे डिवाइड क्लियर एक रिलेशन ये भी है आपका कोई डाउट नो सर ठीक है तो ये ध्यान रखना बस टू एन पाई प्लस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ये हमेशा दिमाग में थीटा की जगह टू एन पाई ऐड कर भी देखो टू एन पाई ऐड जनरलाइज फॉर्म में तो क्या लिख सकते हो टू एन पाई है ना तो टू एन पाई कहीं आता है तो हमको डरना नहीं है मतलब वो भी सेम ही चीज है ये चीज ध्यान रखना आपको ओके okay, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा एक डी मोमस थ्योरम क्या कि पावर एन अंदर घुस सकती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है कॉम्प्लेक्स नंबर के हायर पावर इस एन का क्या करोगे एन थीटा हो जाएगा हाँ ये एन इस पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है ना यस ओके। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि वो आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे सकते हैं वो क्वेश्चन 2023 में भी इस पे आए हुए हैं इसके बारे में हल्का सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड क्यूब इक्वल टू वन कहने का मतलब है जेड की वैल्यू क्या है वन की पावर वन बाई थ्री इसी को हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना
ये यूनिटी मतलब वन का क्यूब रूट है ये, बोलो यस सर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे उसके बारे में पूछा। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होना चाहिए? दूसरा ओमेगा के टर्म्स में नहीं, दूसरा वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन बाय टू प्लस थ्री बाय टू आयोटा प्लस रूट थ्री बाय टू आयोटा, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। हाँ है ना, माइनस सर। एक एक दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में आई थी, नहीं एक सेकंड, कौन से क्वाड्रेंट में आई थी? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ है ना, यस सर। ठीक है, ये वन, इसमें इसको क्या बोलते थे अपन, ओमेगा, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो याद आएगा। तो इसको क्या बोला था अपन ने, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये अब चीज हमको ध्यान रखना। अच्छा, जेड क्यूब इक्वल टू वन मतलब जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स मेरे निकले वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है ये। अच्छा, इसका मॉड्यूलस कितना है? मॉड्यूलस इन दोनों का वन है, वन ही आएगा। ध्यान, मॉड्यूलस हमेशा कितना आएगा? वन, क्योंकि देखो क्लियर है, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे कितना आएगा? वन आएगा। अच्छा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस बी अपॉन ए। यस सर। यहां पे जेड स्क्वायर का टर्म तो नहीं है, तो जेड स्क्वायर का टर्म जीरो, मतलब सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब ओमेगा इसमें रखेंगे तो ओमेगा इसमें अगर रख दिया मैंने तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर। यस सर। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और बेसिकली इसको जनरलाइज ऐसे लिख, ओमेगा की पावर 3n जितना भी होगा वो सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1। जितनी भी 3 की पावर वाले होंगे, ओमेगा की पावर 3n 6n मतलब 3 6 9 इन सब की पावर क्या होगी? 1। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, सम वन होता है, ये होता है। ठीक है, अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इनकी पावर में भी वन, मतलब पावर में भी क्या होगा इस तरह से, सम क्या होगा? जीरो होगा। और अगर इसको मैं प्लॉट करूँ, बेसिकली ये तीनों के तीनों सबका मॉड्यूलस वन है तीनों का, तो एक सर्कल जिसका रेडियस वन है उस पर तीनों लाई करेंगे। हमेशा ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं, चाहे चार रूट निकालो, पांच रूट निकालो, छह रूट निकालो, ये सबके सब एक सर्कल पे लाई करते हैं। पहला रूट तो क्या हो गया? वन हो गया। दूसरा रूट आपका ये आया, तीसरा रूट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और तीनों के बीच में एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, पहला ये सबका मॉड्यूलस कितना है? वन है। पहला रूट वन, दूसरा ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरा ओमेगा स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में, और 360 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो हर एंगल कितना आ जाएगा? 360 बाय 3 120 डिग्री। तो तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी। एक दो ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था, कुछ कुछ काम आ सकती है। तो अगर मैं ये बोलूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि, अच्छा इसमें, हाँ देखो, ये क्वेश्चन में जो बोल रहा था आपको, ये मैंने करा रखा था ऑलरेडी आपको क्लास में, 2023 में आया, कि बोला कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर 2000 इक्वल टू 2 की पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यूब, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसमें मेरे को दिया क्या है? 1 माइनस रूट 3 आयोटा और पावर हायर है, तो इसको देख के मुझे क्या क्लिक होता है? क्या इसको मैं ओमेगा के टर्म्स में बना सकता हूँ क्या? यस सर, बना सकते हैं सर। 2 बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ है ना, यस सर। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होकर बाहर आके 2 की पावर 200 बन के बाहर आ जाएगा। हाँ है ना, यस सर। 200 की पावर 199 यहाँ पे पी प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये, तो अब क्या ये ओमेगा है? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद इसको क्या बना सकते हैं? माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू आयोटा, माइनस कॉमन लेने। ठीक है, अब ये जो चीज गिवन है ये क्या है? क्या ये ओमेगा है? यस सर। ये मेरा क्या है? ओमेगा की पावर 200। अच्छा, अब हायर पावर है, हायर पावर को कैसे डील करेंगे? 200 को क्या करें? 3 से ओमेगा 3 से पावर 3 1 होती है, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो कैसे डिवाइड करोगे? 3 से। आयोटा में 4 से डिवाइड करते हैं, ओमेगा में कैसे डिवाइड करते हैं? 3 से। आया ना? यस सर। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बोलो? 2। तो पहले इसको तो मैं लिख दूंगा ओमेगा की पावर 200, तो रिमाइंडर 2 है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे? ओमेगा स्क्वायर। हां है ना, क्योंकि क्यूबिक तो 1 हो जाएगा। यस सर।
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट में आपको दिया इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो इधर एक 2 बच जाएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली बोलेंगे ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, आपको ये पहचानना होगा कि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर कहीं ना कहीं ये अप्लाई हो रहा कांसेप्ट। तो ये तीन रिलेशन ध्यान रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तीनों का सम 0। और यहां से एक चीज और, ओमेगा क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, यस सर। तो मतलब बेसिकली एक रूट ओमेगा दूसरा रूट ओमेगा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 बाय ओमेगा। क्लियर है? चलो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या डिनोट करता है, याद आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन, आया ना, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। याद आ रहा है कि नहीं? Yes, अगर भूल जाओ तो इसका डेरिवेशन भी आसान है, जेड वन कुछ मान लेना, जेड टू कुछ मान लेना, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड निकालोगे तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला। तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू। ये छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो चीज और थी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जनरल और कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, इनके मॉड्यूलस का डिफरेंस अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। हाँ सर्कल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो जेड माइनस जेड वन मतलब जेड और जेड वन के बीच की दूरी एक कॉन्स्टेंट है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी कॉन्स्टेंट कब आती है, वो सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा जेड, और ये आपका फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा जेड वन, मतलब ये आपका सेंटर हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट दूरी क्या हो जाएगी रेडियस, और ये जो जेड है ये किसका लोकस होगा, सर्कल। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। बाकी कभी भी अगर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते तो कुछ नहीं करना है आपको, जेड की जगह रिप्लेस कर देना एक्स प्लस आयटा वाई की, और एक्स प्लस आयटा वाई को रिप्लेस करोगे तो आप सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ है ना, यस सर। ठीक है, एक फटाफट एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे मैं कोई बार यहाँ पे बोला है, मुझे ये बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस वन प्लस आयोटा, अभी फिलहाल के लिए मान लो इक्वल टू टू, अगर ये ऐसा होता ये क्या रिप्रेजेंट करता, बोलो सर्कल। अभी बताया एक सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, इसका सेंटर क्या होगा, जेड वन है ना, और रेडियस कितना होगा, टू। रेडियस कितना होगा, टू डायरेक्टली। और ये जेड वन का कोऑर्डिनेट क्या है, रियल पार्ट कितना है इसका, वन कॉमा वन है ना, रियल पार्ट वन इमेजिनरी पार्ट वन। क्लियर हो गया? यस सर। इसको प्लॉट कर सकते हो, रेडियस वन सॉरी सेंटर वन कॉमा वन, और रेडियस कितना बोला गया, टू। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक सर्कल होगा, है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। और दूसरा, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन टू, अब लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू टू मतलब ये सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, इक्वल टू टू मतलब सारे पॉइंट किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे। और लेस देन अगर बात करूं, लेस देन इक्वल टू टू मतलब सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट, सर्कल के अंदर के सारे, इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी रीजन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वल टू टू है मतलब जो पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर होंगे, लेस देन इक्वल टू टू मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट हो गए, क्लियर हुआ? यस सर। जो दूसरी इनइक्वालिटी थी, मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अब अगेन ये एक सर्कल है जिसका सेंटर तो वन कॉमा वन है, रेडियस कितनी है, वन है ना, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, वन, तो वो सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा, यस सर। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये वाले पॉइंट सर्कल के अंदर के बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर। ठीक है, और इन दोनों का कंबाइन मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन क्या हो जाएगा, ये वाला मतलब इनफाइनाइट सेट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, तो कहने का मतलब ये कि डिटेल नहीं, इतना ज्यादा क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, बस हल्का सा ध्यान रखना सर्कल केस का। पहली चीज कि z1 माइनस z2 का मॉड रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, और z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू के रिप्रेजेंट द सर्कल,
सेंटर इज जेड वन एंड रेडियस इज के, क्लियर? सर अगर किसी क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कल सी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोला ये उस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसको यूज कैसे करेंगे? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या दिया है? सर्कल सी की इक्वेशन किस फॉर्मेट में गिवन है? नहीं सर, सर्कल सी की इक्वेशन निकालनी है, उन्होंने ये दे रखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो जेड की जगह वो कॉम्प्लेक्स नंबर रख देना। ठीक है सर। ठीक है, ये जेड मतलब जनरल पॉइंट है ना, थोड़ा सा वो भी डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे अपने लाइट के कारण, तो ढाई से चार मतलब कितने घंटे हुए? डेढ़ घंटे में अपन ने ये करा। एक मिनट को, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर दिख रही है। यस सर ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, इसमें क्या ना एनर्जी बहुत लग गई। एक सेकंड, स्क्रीन शायद हट गई होगी, वापस मैं शेयर कर रहा हूँ। ये फायदा तो हो रहा है कि नहीं आपका इससे, बोलो? हो रहा है सर, जो चीज भूल गए थे वो याद आ गई सर। वो सबको क्लियर हो रहा है ना, मतलब एक तरह से मतलब सारे फॉर्मूले एक जगह आ रहे हैं, मतलब सही में हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर नहीं हो रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है चलो, तो ये आपका अपन ने दो मेजर टॉपिक अभी कवर कर लिया, अपन ने क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स। अगला टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज, ये बहुत छोटा है, ये जल्दी हो जाए। तो सीक्वेंस सीरीज में हमको जो मेजरली पढ़ना रहता है एपी और जीपी, ठीक है? एक होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हमारा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हमको सारी चीजें पता है। जनरल टर्म बोलो, जनरल टर्म a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 बाय, हां sn वाला फार्मूला n बाय 2 n बाय 2 n बाय 2 अंडर 2 इनटू 2 a प्लस k n माइनस 1 प्लस n माइनस 3 b, या फिर n बाय 2 a प्लस l। ठीक है, यस। और दूसरी चीज, अगर कभी कभी जनरल टर्म को sn के टर्म्स में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते थे? जनरल टर्म निकालनी तो एक रिलेशन हमारे पास ये होता था कि Sn माइनस Sn माइनस 1 करोगे तो आपके पास जनरल टर्म आता है। इसके बाद अगर तीन टर्म एपी, तीन टर्म अगर लेनी हो तो एपी में ये तीन टर्म अपन एपी में इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई एपी है उसमें मैं कोई कॉन्स्टेंट नंबर एड करता हूँ, एक सेकंड इसको ये लिख लेते हैं, a1 a2 a3 an, ये आपकी एपी में है, तो यहीं पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इन सब में अगर मैं a ऐड करूं तो क्या अभी भी एपी में रहेगी? यस सर। यस सर। यस सर। अगर सब में k सबट्रैक्ट कर दिया तो अभी भी एपी रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। मैं k मल्टीप्लाई कर दिया तो भी रहेगा, राइट रहेगा। k से डिवाइड कर दिया तो भी रहेगा, तो भी रहेगा, k नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, उन सब के इसमें अगर मान लो गिवन सीक्वेंस एपी है कोई कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट हर टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो अभी भी मेरी गिवन सीक्वेंस क्या रहेगी? एपी। अच्छा, अगर मान लो दो सीक्वेंस एपी में उन दोनों को ऐड कर दो तो क्या नई सीक्वेंस भी एपी रहेगी? यस। हां यस सर। अगर ऐड करोगे तो नई भी एपी बनेगी, दो एपी को सब्सट्रैक्ट करोगे तो नया भी क्या बनेगा? एपी बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, बस यही ध्यान रखना था जीपी की। अच्छा, जो कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन आते थे उनको हम कैसे सॉल्व करते थे? सर सारी एपीज का एलसीएम नई एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। a1 a2 a3 एक एपी है, दूसरी एपी मान लो b1 b2 b3 एंड सो ऑन, इसका कॉमन डिफरेंस है मान लो d1, इसका कॉमन डिफरेंस है d2, तो जो कॉमन टर्म्स वाली सीक्वेंस बनेगी, कॉमन टर्म्स वाली मान लो c1 c2 c3 ये सब क्या है कॉमन टर्म्स, ठीक है? तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो किससे कम होनी चाहिए, मतलब बेसिकली वो शुड बी लेस देन या तो an या सर an और bn से कम होना चाहिए। जो सबसे छोटा उससे क्या होगी, सबसे छोटी होगी, है ना? यस सर। जो भी छोटा होगा उससे क्या होगा, छोटी, ये इनइक्वालिटी करके आप क्या निकाल लोगे, n पता कर लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, याद आ रहा है ना? यस सर। लास्ट टर्म को हम इनमें से जो दोनों चुम में से जो छोटी होती है उससे लेस देन कर देते, और इसका d निकालने के लिए क्या करते थे? एलसीएम ले लेते थे दोनों के लिए,
दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, जिसका डी आ जाएगा, डी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, डी पता चल गया, आगे की टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म सीएन को इक्वेट कर दोगे लेस देन, इन दोनों में से जो सबसे छोटी टर्म उससे क्या कर दोगे लेस देन, आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक, ये कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन है, ये इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद जीपी में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जनरल टर्म बोलो ए आर की पावर एन मतलब इन टू आर की पावर एन माइनस वन, सम ऑफ द एन टर्म्स ए इनटू आर वन माइनस आर की पावर एन आर माइनस वन। ठीक, अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी ए अपॉन वन माइनस आर ए बाय आर माइनस वन, यहाँ पे आर की कंडीशन क्या होती थी, लेस देन वन, लेस देन वन कन्वर्जिंग होनी चाहिए, माइनस वन से वन पूरी है ना, यस सर, मतलब बेसिकली मॉड आर लेस देन, ये याद रखना, लेस देन वन नहीं, मॉड आर लेस देन, क्लियर है, यस सर, या माइनस थ्री हो सकती है, नहीं सर, नहीं है ना, मॉड आर लेस देन वन याद रखना, ओके, ये हो गया आपका जीपी के बारे में। जीपी के केस में भी अगर मैं, अच्छा मुझे बताओ, अगर ए वन ए टू ए थ्री जीपी में है ए एन तक, इन सब में अगर मैं के एड कर दू तो क्या अभी भी जीपी रहेगा, यस सर, लेकिन एड और सब्सट्रैक्ट में जीपी में नहीं रहेगा, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली है। तीन टर्म जीपी में लेनी है, अगर चार टर्म लेनी हो तो ए बाय आर स्क्वायर और ए आर इनटू ए आर क्यूब, चार टर्म में मिडिल टर्म ये दो होती, ध्यान रखना, और नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म ये होती है, और ज्यादा टर्म्स के लिए मिडिल टर्म क्या होती है, ये दोनों, इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर, क्लियर है, यस सर, सर वो ए बाय आर क्यूब होगी, आर सॉरी ए बाय आर क्यूब, ठीक है, यस बोलो, ओके एक सेकंड। इसके अलावा अगर तीन टर्म एपी में है तो क्या रिलेशन, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट, वेरी गुड, 2b equal to a plus c, तीन टर्म अगर gp में है तो b square is equal to ac, square is equal to ac, बहुत अच्छे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अगर hp में है तो सर 2 by b is equal to 1 upon a plus 1 upon c, उसका फाइनल रिलेशन क्या आता था सर, 2ab upon a plus then 2ac upon a plus c, ऐसा कुछ आता था, है ना, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो ये हो गया आपका एपी जीपी सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आता है। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज अगेन हाई वेटेड चैप्टर है, जिसमें से दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, और इस बार तो सीरीज हटाई दी गई है ना, याद है ना, यस सर, सीरीज आपकी पूरी हटा दी, ये क्वेश्चन बेसिक है एपी पे, इसको आप ट्राई कर लेना, बस दो दो चीज और देख लेते अपन, अर्थमेटिक मीन वाला इंसर्शन, कि अगर मैं बात करूं ए और बी, इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एन प्लस टू, एन प्लस टू, एन प्लस टू, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, डी निकाल सकते हो, यस सर, है ना, डी और डी का फॉर अगर याद नहीं हो तो ऐसे करना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन प्लस टू, तो आप डी आराम से निकाल सकते हो, जैसे ही डी आ जाएगा क्या ए वन आ जाएगा, यस सर, ए वन कितना आएगा, ए प्लस डी, इस फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दोगे तो ए वन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो ए वन, इसमें वापस डी ऐड कर देंगे तो ए टू है ना, इसमें वापस डी ऐड कर देंगे तो ए थ्री, और कोई भी टर्म मुझे पूछी हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस, एन प्लस, यही था, यही था, यस सर, और इन सबका सम ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टिल ए एन क्या था, क्या लिखा था, एन टाइम्स ए प्लस बी बाय टू, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी आया ना,
एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब ए प्लस बी बाई टू, मतलब ये जितने भी अपन ने निकाले इन सबका सम ये हो जाएगा। क्लियर है? Yes, yes, अच्छा एक चीज और आगे पेज खाली, हाँ और यहाँ पे तो कुछ नहीं रहता था ना, बस इतना ही काम का, ठीक है। और यहाँ पे जीपी केस में ए बी दो नंबर है, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया कर मैंने, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन जी वन, अगर इसका आर निकाले, आर क्या आता था यहाँ पे इस तरह से कोई भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, इन सबका प्रोडक्ट कितना आता था, पावर में आता था, याद आ रहा है की पावर पावर में ऑफ ए बी की पावर एन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी की पावर एन, यही आता था मेरे हिसाब से, तो आया ना सर, पावर एन होगी या फिर पावर वन बाय एन होगी, मेरे हिसाब से तो एन थी शायद सर, एन ही थी, एन ही थी। और ज्योमेट्रिक दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, रूट ए बी की पावर एन, तो आपका आंसर कितना जाएगा, ए बी की पावर एन बाई टू। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी की पावर एन, और आर निकालने का तरीका बी बाई ए की पावर वन बाई एन प्लस, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, वो जनरल अर्थमेटिक मीन अगर बोलता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई दे दी टर्म्स a1 a2 a3 a4 an, इसका अर्थ इन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, हां इन सबका सम डिवाइड करें नंबर ऑफ टर्म्स, हां है ना। और को पूछता कि अगर कोई टर्म्स है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, a1 a2 a3 an, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, सबका प्रोडक्ट करके पावर 1 बाय n करके 1 बाय n करके पावर कितनी कर दोगे, 1 बाय n। क्लियर है? यस सर। और ये एक होता है टॉपिक इंसर्शन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना, इन दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इसमें तीनों में था, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, क्या था, इनइक्वालिटी, एएम बड़ा होता है जीएम से और जीएम बड़ा होता है एचएम से, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, हां है ना। यस सर। ये इक्वल कब होते थे इक्वल होंगे, बाकी हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इन तीनों में भी कोई रिलेशन होता है क्या? यस सर, जीएम का स्क्वायर इक्वल टू होगा एएच के, हां ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, है ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, एक एक इनइक्वालिटी जो जनरली हमारे पास क्वेश्चन में काम आती है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये हम कहां पे अप्लाई करते हैं सर, जब दो मैक्सिमम वैल्यू, बेसिक कंडीशन क्या, वो नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यस ठीक है, गिवन जो मेरे नंबर्स हैं जिसमें मैं एएमजीएम अप्लाई कर रहा हूं, सबसे पहले तो वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो वहां पे मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दूं, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखेंगे नहीं, आपको कैसे पहचानना है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि इस सम की लीस्ट वैल्यू बताओ, इस सम की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, या फिर इस प्रोडक्ट की लीस्ट वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, और नंबर भी पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना है, हो सकता है वहां पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई हो रहा हो, है ना। तो n नंबर का अर्थमेटिक मीन तो सिंपल इन सब का एडिशन डिवाइड बाय n, और ज्योमेट्रिक मीन भी सिंपल इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1 बाय n, है ना। और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm आप अप्लाई कर सकते हो, कर दोगे ना अप्लाई? जी सर। तो यही था आपका सिलेबस का टॉपिक, लेकिन हाँ एक वो सीरीज वाला है जो है वो थोड़ा बहुत कभी कभी काम आ जाता है, वो याद रखना, जैसे कहीं ना कहीं यूज होता है समेशन ऑफ n, मतलब 1 plus 2 plus 3 up till n, इसका सम तो याद होगा सबको, बताओ कितना होता है सर, n into n plus 1 by 2, very good, summation of n square,
एन इन टू एन प्लस एन प्लस वन बाय टू एन टू एन प्लस वन बाय टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स 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 वेरी गुड एन एन क्यूब का एन एन टू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है सर सीरीज हट जाए लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले का क्या पता होना चाहिए कहीं पे भी यूज हो सकते हैं अच्छा समेशन जो होता है वो जैसे मान लो दो सीरीज है आपके पास मान लो एक सीरीज है एस वन दूसरी सीरीज है मान लो एक टी वन है दूसरी सीरीज है टी टू दोनों प्लस में है और माइनस में तो क्या समेशन अलग अलग हो सकता है प्लस माइनस yes. प्लस माइनस में समेशन अलग क्योंकि एडिशन ही कर रहे हैं तो प्लस माइनस में समेशन अलग अलग हो सकता है क्या प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है नो सर प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं हो सकता ये चीज हमको ध्यान रखनी ओके एक सेकंड ना ये हो गया आपका सीक्वेंस एंड सीरीज इसके बाद अगला टॉपिक कितनी बजे की 4:30 होने वाली ठीक है अब बताओ अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना सर बाइनोमियल करा दीजिए सर बाइनोमियल बाइनोमियल करा दूं ठीक है आप थके तो नहीं हो आप लोग नो सर नहीं सर जब तक परम्यूटेशन नहीं तब तक थका नहीं चलो बाइनोमियल स्टार्ट करो एक मिनट पानी पी लेता हूँ पांच मिनट एक मिनट का ब्रेक है पेजेस ऐड कर दो स्लाइड्स भी खत्म हो गई ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल काफी इंपॉर्टेंट अगेन अच्छा ये एलजेब्रा के जितने भी टॉपिक अभी अपन ने पढ़े ना क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल ये ऐसे चैप्टर है जिससे एक एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है और मेरे को जहां तक लग रहा है वो क्वेश्चन मीडियम इजी लेवल का ही होगा और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ना कहीं ना कहीं दिख जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है ये फंक्शन या फिर फंक्शन जैसा नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगती है ना यस सर तो इन चैप्टर को तो आपको छोड़ के मतलब छोड़ के तो खैर आप नहीं जा रहे हो पर इनके फॉर्मूले सबको पता होना चाहिए चलो अब फटाफट बाइनोमियल रिवाइज कर लेते बाइनोमियल थ्योरम तो बाइनोमियल थ्योरम में कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स और आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है x plus y की पावर n इसका एक्सपेंशन हमने कैसे देखा था फर्स्ट टर्म क्या बनेंगे n से 0 x की पावर n वेरी गुड सेकंड टर्म n से 1 x की पावर n minus 1 into y वेरी गुड बहुत बढ़िया इसी तरह से आगे वाली टर्म n से 2 x की पावर n minus 2 into y स्क्वायर और इस तरह से टर्म्स मेरी आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले आपकी जनरल टर्म जनरल टर्म से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई में आए मैंने ऑलरेडी क्लास नोट्स में आपको करा रहा है 2023 में काफी क्वेश्चन है तो इसकी जनरल टर्म लिखने का तरीका टी आर प्लस वन लिखते हैं याद रखना है ना क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है आपकी या आपकी सेकंड टर्म है या आपकी थर्ड टर्म है तो यहाँ पे टू है तो यहाँ पे क्या आ रहा है वन यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे क्या आ रहा है टू आ रहा है ना यहाँ पे जो है उससे कम आ रहा है यहाँ पे याद होना चाहिए और इससे क्वेश्चन रिलेटेड किससे आ सकते हैं बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा के की वैल्यू बताओ सच दैट एक्स क्यूब कोएफिशिएंट 2 है के की वैल्यू बताओ सच दैट द कांस्टेंट टर्म 5 है के की वैल्यू बताओ सच दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स ये है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स मतलब x पे डिपेंड करता है x की पावर 0 हां मतलब टोटल जो टोटल पावर ऑफ x है उसको कैसे इक्वेट कर दो 0 से इक्वेट कर दोगे हां है ना यस सर वेरी गुड इसमें कुछ चीजें जो हमको ध्यान रखने वाली ये रहती है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 n + 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होती है n + 1 हर टर्म में क्या और पावर एक एक रिड्यूस होती जा रही है लेकिन टोटल पावर हमेशा सब हर टर्म की कितनी है n ही n है ओवरऑल पावर हर टर्म कितनी n ही है ना ठीक है ओके ये हो गया आपका ये वाला चीज है अच्छा इसमें सारे कोएफिशिएंट का सम कितना होता है 2 की पावर n 2 की पावर n
सारे क्वेश्चन का सम कितना हो जाएगा, x की जगह 1, y की जगह 1 रख दोगे तो फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x और y की जगह 1 रख देंगे तो सबका सम आ जाएगा और सम कितना है 2 की पावर n, क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर अल्टरनेट ऑड इवन मतलब सॉरी माइनस प्लस होता तो 2 की पावर n बाय 0। माइनस प्लस कब बनेगा, जब x को 1 y को माइनस 1 रख दो, है ना? देखो x को 1 रख दिया y को माइनस 1 रख दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा बन जाएगा। और x को 1 और y को माइनस 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। yes, सिंपल डेरिवेशन है, x को 1 y को माइनस 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। इन दोनों को एड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ इवन कोएफिशिएंट आ जाएंगे। यस सर। तो सारे इवन कोएफिशिएंट का सम ऐड करने पे आपका बेसिकली इधर क्या बनेगा, 2 की पावर n, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n माइनस। और सिमिलरली इवन का भी जो ऑड का भी जो सम होगा वो भी कितना आएगा, सारे ऑड कोएफिशिएंट का सम भी कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। वेरी गुड। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर? यस सर। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो एक तो कोएफिशिएंट पे भी बनते हैं, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट के बारे में हम डील कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी खासकर। ये प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी सब लोग आराम से सोच के मन में सोचना फिर बता। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, आराम से मन में सोचो इसका आंसर क्या आएगा, मन में सोच लो, सोच लिया एन प्लस 1 सी आर, ये है कि कुछ और है, ये हाँ, n और n सेम है, यहाँ पे r और r माइनस 1 दोनों में डिफरेंस अगर 1 का है, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, और यहाँ पे n और n सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 c r, वेरी नाइस। जैसा का एग्जांपल के तौर पे 5c3 प्लस 5c2 का आंसर बताओ क्या आएगा, 6c3 13c7 प्लस 13c6 14, 6, 7। देखो यहाँ पे इसमें प्लस 1 करना है और दोनों में से जो ज्यादा है ना वो लेना है, 7 और 6 में से ज्यादा कौन है 7 तो 7 लेना है, 3 और 2 में से ज्यादा कौन है 3 तो 3 लेना है, r और r माइनस 1 में से क्या लेते हैं, ज्यादा वाला लेते हैं, r लेते हैं, है ना, दोनों में से जो ज्यादा, अगर r माइनस कुछ और होता 1 की जगह तो नहीं, कुछ कंसेक्यूटिव आना चाहिए, तो ही 7 और 6 दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, क्लियर है? तभी ऐसा कोई लिखे भाई 13c4 प्लस 13c6 तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्लियर है? ये पास पास कंसेक्यूटिव होना चाहिए। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलता हूँ NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस R के क्या होता है बराबर, है ना, 5 जैसे 6c2 किसके बराबर होगा, 64। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NCR को अगर मुझे तोड़ तोड़ के लिखना है n माइनस 1 और r माइनस 1 के टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे, आगे क्या आ जाएगा, n by r। आगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है ना, कम कम करते जाते अपन, n by r लिखा, एक ऊपर कम कर दिया एक नीचे कम कर दिया, याद आ रहा है? yes, n by r को मैंने सेम रखा, मान लो एक बार और रिड्यूस करना है तो अब क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2 r माइनस। ठीक है, बस ये दो प्रॉपर्टी को ध्यान रखना बस, बाकी तो एक वो सिंपल एक और होती है जिसको अगर आप याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, सिंपलीफाई कर सकते हो, NCR को अगर अपन डिवाइड कर देते किससे, NCR माइनस 1 से, ये वो कैलकुलेशन में आता n माइनस r प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, और नी भी याद रहता तो डिराइव कर लेना, बाकी जो तो इम्पोर्टेंट है इस पे स्टार मार्क कर देता तो ये इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी ये इम्पोर्टेंट है, ये दो प्रॉपर्टी तो ध्यान रखना, बाकी ठीक है चलेगा, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। जनरल टर्म आपको बता दी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होती है, कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंस होते हैं पीछे और आखिरी से, है ना, जो पीछे का कोएफिशिएंट है लास्ट का पीछे के पीछे से, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, ये क्वेश्चन क्या होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि आपके NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, है ना, तो क्वेश्चन आगे और पीछे से कैसे होते हैं सेम, सबका पावर कितना होता है n होता है, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे,
अच्छा कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे कि इसमें से बताओ नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, उसमें क्या करते थे? पावर जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, रूट फाइव प्लस कुछ भी ले लो, फोर रूट इलेवन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि पावर 124 मिल लो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसकी? 125 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 125, इसमें से पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे इरेशनल टर्म्स? सर टोटल में से रैशनल माइनस, टोटल में से रैशनल माइनस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से रैशनल टर्म्स क्या कर देंगे माइनस, टोटल में से रैशनल टर्म्स क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि रैशनल निकालना आसान है, और रैशनल निकालने के लिए क्या करोगे? सर जनरल टर्म में ये देख लेंगे 5 और 11 की इंटीजर पावर्स पे, वो जनरल टर्म निकालोगे इसकी रूट 5 की पावर 124 माइनस आर और ये की पावर आर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसको क्या बनाना है पावर को इंटीजर से, यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ जाएगी 124 माइनस आर बटे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 11 की पावर 8 बटे 4, तो ये 124 माइनस आर बटे 2 ये भी क्या होना चाहिए इंटीजर, आर बटे 4 ये भी क्या होना चाहिए इंटीजर, तो इन दोनों की कंबाइन कंडीशन देखने के इसमें आर की वैल्यू क्या क्या रखूं ताकि इन दोनों की वैल्यू क्या है इंटीजर, और जितने नंबर ऑफ आर होंगे उतने आपके क्या बनेंगे रैशनल टर्म्स। अब जैसे यहाँ पे बात करो आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, पहले तो एन एन कितना 124 है, तो आर आपका कहां से कहां तक लाई कर सकता है 0 से लेके 124 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर बटे 4 इंटीजर आना चाहिए, यहाँ पे आर क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, यस सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, रैशनल टर्म्स कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ, रैशनल टर्म्स निकालने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पावर बन रही 5 की पावर आर 124 माइनस आर बटे 2 और 11 की पावर आर बटे 4 ये दोनों आपकी क्या होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए, ये पावर अगर इंटीजर हुई तो आंसर क्या आएगा रैशनल आएगा, तो अब आर की कितनी वैल्यू ऐसी है जो इसको इंटीजर बनाए वही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर मेरी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो r by 4 इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे r जो होना चाहिए 4 का मल्टीपल, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए r 2 से डिवाइडर, मतलब यहाँ पे r कैसा होना चाहिए इवन, इवन नंबर, इवन, अब इन दोनों को कॉमन लेना, अच्छा ये जितनी ये टर्म्स होगी तो इन सब में तो इवन तो ऑलरेडी कवर हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका ap, ap का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यस सर, तो यहाँ से आपका देखो डायरेक्ट आ जाएगा 4 से उधर डिवाइड कर दोगे 31 आ गया सर, हाँ 1 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 31, मतलब टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आ गई 31, 125 में 31 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी इरेशनल टर्म, याद आ गया? यस सर, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ऑलरेडी क्लास में करा रखे हैं इनको, एक बार ये आप प्लीज एक बार नोट्स देख लेना क्योंकि टॉपिक पूरा पढ़ा रखा है मैंने, मैं जो आपकी रिकॉर्डिंग्स दी गई ना उसमें पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, तो उसमें एक बार आप देख लेना क्लियर है, क्योंकि अभी फिलहाल अपन ये पूरा टॉपिक वापस नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके अलावा कुछ और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे उसमें ये आता था कि अगर मैं लिखता हूँ कोई भी 2 की पावर 2021, इसमें फाइंड रिमाइंडर when divided by 7, तो कैसे करते थे सर? इसको 8 में मतलब 8 बना लेते हैं और फिर 7 माइनस 7 प्लस प्लस 1, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अपन को 7 के मल्टीपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना, इसके एक्सपेंशन में क्या क्रिएट करना पड़ेगा 7 का मल्टीपल, यस सर, 7 के मल्टीपल्स आप इसके एक्सपेंशन में क्रिएट करोगे फिर देखोगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या बेसिकली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब इस इक्वेशन को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 7 टाइम्स k प्लस r, तो इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया तो 7 टाइम्स k प्लस r, तो ये r आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, अब इसको 7 के टर्म्स में तोड़ना है तो 7 देखो 7 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं 7 14 21 एंड सो ऑन, और 2 की पावर्स क्या क्या होती है 2 की पावर में 2 4 8 16 and so on. तो सबसे ज्यादा पास कौन कौन दो नंबर है 8 और 7, इसमें डिफरेंस भी कितना है 1 का है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा 7 क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 8 क्रिएट करें, और 8 क्रिएट करने के लिए क्या बनाना है 2 की पावर 3, 3 से डिवाइड, तो 2 की पावर 3 से ले ली, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, ठीक है, तो इसमें से अगर बेसिकली फिर आपको 2021 में से 3 निकालना है तो 2021 को 3 से डिवाइड, 2019 आ जाएगा सर, 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ 2019 डिवाइड हो रहा है क्या 3 से, यस सर,
इसका रिमाइंडर टू आ रहा होगा, मतलब यहाँ था पहले टू स्क्वायर अलग निकाल लो, है ना? यस सर। बेसिकली मुझे एट क्रिएट करना है, एट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, इसमें से टू स्क्वायर आपने अलग निकाल लिया, टू की पावर 2019 अलग कर लिया, ये तो फोर हो गया, और टू की पावर 2019 में से टू क्यूब अलग निकाल लोगे। अब इसको अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितने का, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सेवन जा 21, थ्री थ्री जा 9, है ना? यस सर। इसको मैंने लिख दिया एट टाइम्स की पावर सेवन, अब देखो मैंने एट क्रिएट कर दिया, एट क्यों क्रिएट किया, अब एट को मैं किसके टर्म्स में लिखूंगा, सेवन के टर्म्स में, तो एट को सेवन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, पावर पूरी आ जाएगी, क्लियर है? तो बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब में कम से कम एक सेवन का मल्टीपल है इसे, तो इसको मैं सेवन के लिख सकता हूँ, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन, आ गया आपका फोर, फोर को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा फोर प्लस 28 के, अब इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, चार, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखे थे, पीछे चार को अंदर भेजा ना, 7, 4, 28 मल्टीप्लाई किया, ओके, तो 7 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते ही हैं कि भाई एक तो आएगा नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इंडिपेंडेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट, और ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ये आपको एकदम पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली वेराइटी आती थी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, किसी के बाइनोमियल एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होगा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, बहुत ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी आपको मैंने तरीका सिखा रखा है। अगर मैं बात करूं जनरल ए प्लस बी की पावर एन, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन ए के प्लस बी की पावर एन, तो यहाँ पे अगर दो कंडीशन हो सकती है, एन या तो ऑड हो या फिर एन आपका हो इवन, ठीक है, एन या तो ऑड होगा या तो एन आपका इवन होगा। तो एन अगर ऑड हुआ तो ऑड केस में जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, एन बाय टू, एन बाय टू, हाँ देखो, अच्छा दो मिडिल टर्म आएगी, दो मिडिल टर्म आएगी कि एक मिडिल टर्म, सर दो आएगी। अब क्यों, कैसे लॉजिक लगाएंगे, एन अगर ऑड है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, एन प्लस वन, इवन बनेंगे, इवन बनेगी, और जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो अपन को पता है, अपन ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म आती है, यस सर, तो दो मिडिल टर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो ऑड है, दो मिडिल टर्म है तो ऑड में ऑड ही ऐड करना पड़ेगा, तो एक में एक बार प्लस वन ऐड करके डिवाइड बाय टू कर देना और एक बार प्लस थ्री ऐड करके डिवाइड बाय टू कर देना, तो ऐसे याद भी रखना आसान है ना, ऑड में ऑड ही ऐड करोगे ना, तो ऑड में दो मिडिल टर्म आएगी, उसमें एक मिडिल टर्म कौन सी होगी, जो पावर एन है उसमें एक बार प्लस वन डिवाइड बाय टू, एक बार प्लस थ्री डिवाइड बाय टू। अच्छा अब अगर एन इवन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, ऑड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड बनेगी तो एक मिडिल टर्म आएगी, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, एन प्लस वन बाय टू, हां यहां पे तो डायरेक्ट टू करेंगे ना, अच्छा डिवाइड बाय टू थोड़ी कर सकते हो, प्लस वन करोगे तो ऑड बन जाएगी, क्लियर है? टर्म के लिए तो प्लस वन करना पड़ेगा ना उसमें, नहीं नहीं नहीं, एन डायरेक्ट एन ले रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 5 8 8 प्लस 1 9 बाय 2 तो डेसिमल आ जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 8 है डायरेक्ट 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मान लो 7 है तो प्लस 1 बाय 2 माइनस प्लस 3 बाय 2, क्लियर हो गया, यस सर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ बताओ इसकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी, सर निकालनी है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन सी टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, कौन सी आएगी, एट्थ, एट्थ, एक तो क्या 15 है तो क्या करोगे, 15 बोलो, 15 प्लस 1 बाय 2 एंड 15 प्लस 3 बाय 2, 3 बाय 2, तो एक तो कौन सी टर्म आएगी, एट्थ टर्म और 9th, 9th term. तो 8th और 9th term इसकी क्या होगी, middle term. Clear है? Yes, sir. याद रह जाएगा. दूसरा आएगा मान लो x minus 3 की power 12. इसकी middle term बताओ.
डायरेक्टली टू से डिवाइड करो, डायरेक्टली टू से डिवाइड, तो 60 टर्म क्या हो जाएगी मिडिल, क्लियर हो गया? यस सर, एक चीज टर्म सिक्स होगी लेकिन मतलब टर्म सिक्स होगी लेकिन एनसी फाइव आ जाएगा ना अगर हम करेंगे तो टर्म सेवन्थ होनी चाहिए। क्या कह रहे हो सर? टर्म जो होगी उस जो एनसी सिक्स आना चाहिए ना हमारे पास, तो टर्म सेवन्थ होनी चाहिए थी। यस सर, यस सर सेवन्थ होगा ना? यस सर सेवन्थ होनी चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आपके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। 12C0, 12C1, 12C2 एंड सो ऑन अप टिल 12C12 तक, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? टोटल 13 टर्म्स। 13 हो गए। यस 13 टर्म्स हो गए, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? 13 + 1/2। हां ऐसे ही करते थे ना, तो कौन सी आएगी मिडिल टर्म? 7 7। अच्छा क्वेश्चन आर आपका 6 होगा, ठीक है ना? दो मिडिल टर्म आएगी, है ना? यस सर। यस सर, दो मिडिल टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है क्योंकि दो मिडिल टर्म आती है, दो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? एक तो डायरेक्टली टू से डिवाइड कर देते हैं और एक टू से डिवाइड करके प्लस वन प्लस करके, है ना? ये दो मिडिल टर्म आ जाएगी। एन पावर अगर एन इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? एन प्लस वन, तो ये इसमें इवन में प्लस वन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो उसकी एक मिडिल टर्म आएगी, और वो एक मिडिल टर्म हम कैसे निकालते थे? इसी में प्लस वन करके डिवाइड बाय टू। यस सर, तो कितना आ जाएगा? एन प्लस टू बाय टू। क्लियर है? यस सर। यस सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद आता था आपका एक एक मिनट, क्या आता था आपका इसके बाद? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, है ना? बोलो। यस सर, इसके बाद आपका आता था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमने सोची थी, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाला कि डायरेक्टली आर को रिप्लेस कर देंगे काई से, ठीक है? वो भी आप एक बार नोट्स में देख लेना जो मैंने कराया था मिडिल टर्म के केस में, है ना? सर उसी में एन बाय टू करवाया था। हाँ उसी में एक मतलब एक दो क्वेश्चन से कराया था हमने डायरेक्टली, वो एक बार हम नोट्स देख लेना। अगला कॉन्सेप्ट था आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, लास्ट फटाफट देख लो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में अगेन अगर मानो को मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus y की पावर n, अब इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन सी आएगी ये मुझे पता करना, या फिर अपन ने तो a plus b, अब देखो दो तरीके से इसके फॉर्मूले दिए रहते हैं बुक में, आप तो a plus b के टर्म्स में निकालो या फिर 1 plus x की पावर n के टर्म्स में निकालो। अगर मान लो आपके पास है a plus b की पावर n, ये हमने सब शायद निकाला था, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम क्या निकालते थे? r, सर r निकालते थे। r की वैल्यू क्या होती थी? Less than equal to 1 plus n, 1 upon me, 1 upon me, a by b. 1 plus x by b by 1 plus n or 1 plus a by odd b. Of a by b. A by b. ठीक है, चेक कर लेना यही था, है ना? यही था। यस सर, यही था। तो ये आप r की वैल्यू निकालोगे, देखो बहुत आसान होता है, इसमें दो स्टेप फॉलो करने थे आपको। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन है, स्टेप वन क्या निकालो? r की वैल्यू। अगर ये r इंटीजर आ जाए, अगर ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीजर, तो आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? अगर मान लो r की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, फॉर एग्जांपल k, क्या आ रही है? k, तो बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? ये खुद ही हो जाएगी। यस यस सर। अगर r की वैल्यू इंटीजर आती थी तो क्या होता था कि tr या फिर tr plus 1, दोनों ही दोनों क्या होती है? न्यूमेरिकली सेम होती थी, ये क्या हो जाती है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। क्लियर है? अगर r इंटीजर है तो ये r की जो वैल्यू है ये आपकी न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट। और r अगर इंटीजर नहीं है, r अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में आ रहा है, तब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? सर इससे tr tr + 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के क्या कर दोगे? प्लस 1, है ना?
यस सर ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें, यहाँ पे मान लो आपने a प्लस बी की पावर n, इसमें आपने r की वैल्यू निकाली, यहाँ पे ध्यान रखना है मॉड लगा हुआ है, r की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ रही है मान लो आपके पास 5.7, तो बताओ कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म होगी? ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? सिक्स्थ टर्म। r की वैल्यू आ रही है मान लो 13, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 13 या फिर 14, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर है? आपको तो फर्स्ट टर्म है अपॉन सेकंड टर्म, तो सर यहाँ पे तो प्लस में है ना, यहाँ पे ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे बात तो सेम ही रहेगी। लेकिन सर ऊपर बी और बी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई था सर? नहीं मतलब जैसे नीचे a बाय b है, तो अगर हम b प्लस a लिख दे और ऊपर b भी तो मल्टीप्लाई होगा ना n प्लस 1 में। हाँ b मल्टीप्लाई होगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसका कहना का मतलब ये है कि a प्लस b की पावर n और दूसरा है आपका मान लो b प्लस a की पावर n। देखो वहां पे इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक तो आपकी पावर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दूसरी चीज एन अगर आपका ऑड है कि इवन है। अगर नेगेटिव रहा और ऑड रहा तो एक माइनस आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है? तो वहां पर आपस फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा रखा है अपन ने। यस सर, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली। इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है, इसको अगर आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो ना, तो यहाँ पे जनरली वो क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं। अगर आप बी कॉमन ले लोगे बाहर से, तो बाहर बन के क्या आ जाएगा, बी की पावर एन बाहर आ जाएगा, अंदर वन प्लस बी बाई ए की होल पावर एन, ठीक है? अब ये एक तरह का फॉर्मेट हो गया वन प्लस एक्स की पावर एन वाला, ठीक है? वन प्लस एक्स की पावर एन और इसी इसका फॉर्मूला इसी तरह से डिराइव होगा। वन प्लस एक्स की पावर एन का भी जब आप डिराइव करोगे तो इसका बनेगा एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूले में इतना ही था कि ऊपर भी कुछ था मल्टीप्लाई में? वैसे हमने तो मतलब सिंपलीफाई करके रखा था, तो यही था बस। ये आया था ना 1 plus n upon 1 plus mod of a by b आया था ना? Yes sir। ठीक है। अच्छा एक चीज़ में ये जो मैं नीचे बता रहा था आपको, ये बुक्स में आपको एक फॉर्मूला और दिया जाएगा, वो भी एक बार आप ध्यान रख लो। वो भी सिंपल ही है, बुक्स में a plus b की पावर n के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मूला था अपने खुद से डिराइव किया था, उसने अपन ने डायरेक्टली क्या माना था, a plus b माना था, r का फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था, इस तरह से आ रहा था, है ना? बोलो। Yes sir। एक बार आप रिलेशन चेक कर लेना, और जनरली आप अगर नोट्स में कहीं और देखोगे बुक्स वगैरह, तो वहां पे आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला 1 plus x की पावर n के टर्म्स में दिखेगा। अगर आपको इस फॉर्मेट में 1 plus x की पावर n, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म उसके लिए r की वैल्यू आती है आपको उसी तरह से 1 plus n अपॉन, यहाँ पे बस x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1 plus, यहाँ पे मॉड आया था, यहाँ पे आ जाएगा मॉड x, और एक यहाँ पे भी मॉड x, वो डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, भी एक तरीका है निकालने का। आप अगर कंफ्यूजन हो ए और बी में, तो आप क्या करो, बी कॉमन निकाल लो। मतलब कहने का मतलब ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इस टर्म में ना दे, ऐसा दे दे 3 - 5x की पावर 7, ठीक है? अब ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको पहले यहाँ पे 1 क्रिएट करना पड़ेगा, तो 1 क्रिएट करने के लिए 3 क्या लेना पड़ेगा, कॉमन आया ना, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, 3 की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 - 5/3 की पावर x की पावर 7। अभी आपका हो गया 1 और इसको भी माइनस के अंदर भेज दो, ये हो गया 1, ये हो गया आपका x। अब r की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 plus n, n मतलब 7, mod x 5x/3 upon 1 plus mod 5x/3, ठीक है? और यहां से आप x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी होगी, तो यहां से आप r निकाल सकते हो। क्लियर है? दोनों ही केस दोनों में से जो अप्लाई करना वो अप्लाई कर दें। तो ये आपका बाइनोमियल था, जिसमें पॉजिटिव रियल इंडेक्स के लिए अपन ने सारा देखा, जनरल टर्म, मिडिल टर्म आपको ध्यान रखनी है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको पता ही है, टोटल एक्स की पावर 0 से इक्वेट कर देना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एक बार नोट्स देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन करा रखे उनको रिट्राई कर लेना। इसके अलावा ग्रेटेस्ट टर्म के लिए बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये या फिर ये दो फॉर्मूला आपको लिखा रखे हैं। कोफिशिएंट में जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको ये दो ध्यान रखनी है, एक तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 हो जाएगा एन प्लस 1 सीआर, और दूसरा NCR इक्वल टू NCN माइनस R, और अगर कम एक एक करके रिड्यूस करना है तो N बाई R, फिर N माइनस 1 बाई R माइनस 1, एक एक करके आप रिड्यूस कर सकते हो। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, मेंस लेवल पे इतना काफी है मेरे हिसाब से बाइनोमियल में।
हाँ, एक और कभी कभी जनरल, अगर n की पावर, जो पावर n है वो इंटीजर ना है, ठीक है, n पावर अगर इंटीजर ना है तो किसी भी जनरल के लिए बस फॉर्मूला याद रखो, सिलेबस में तो नहीं है, वन प्लस, सॉरी वन नहीं, ये इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x प्लस वाई नहीं, जनरली आपको आएगा एक वन प्लस एक्स के टर्म्स में, या फिर नहीं आया तो इसको आप कन्वर्ट कर देना, वन प्लस एक्स की पावर एन वेन एन बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, क्लियर है, ठीक है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए फिर कुछ और आ जाए तो उस केस में ये फॉर्मूला, बाकी n अगर इंटीजर है तो ऑलरेडी अपन ने वो फॉर्मूला, n अगर नेचुरल नंबर है सॉरी तो ऑलरेडी जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, n अगर कुछ और आ जाता है तो उसमें शुरू की तीन टर्म ध्यान रखना, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल का एक्स स्क्वायर, क्लियर है, यस सर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं वन प्लस एक क्या होता था, नेक्स्ट टाइम एक सेकंड, वन प्लस x की पावर, अगर सपोज यहाँ पे n की जगह अपन कुछ रखते हैं, माइनस वन रखा, नहीं नहीं वो नहीं था दूसरा, चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ, ठीक है, ये क्लियर है सबको, यस सर, यस सर, इतना काफी है मेरे हिसाब से, और इन पे मैंने न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा रखे थे, ठीक है, ओके, इसके बाद बताओ आगे पढ़ना है कुछ सर, 10 मिनट का ब्रेक दे दो उसके बाद, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक के बाद, चलो ठीक है, एक काम करो इसको मैं अभी 10:43 हो रहा है ना, तो मेरी 5 बजे 6 बजे ऑफिस क्लास है, तो आधा घंटा और अपन पढ़ सकते हैं, तो आप 10 मिनट के बाद आ जाओ, मतलब 4:55 पे आ जाना, ठीक है, 4:55 पे आप सब लोग आ जाएंगे, आधा घंटा और पढ़ लेंगे, एक टॉपिक को फिनिश कर लेंगे सर, आप पीएनसी कराएंगे ना, हाँ देखते कोई भी करा लेंगे, 11 का टॉपिक पीएनसी ले लेंगे, ठीक है चलो आ जाओ, एक आधा टॉपिक और फिनिश कर लेते हैं जल्दी से सर, एक बार एंड में ना स्टैट्स के फॉर्मूले बता दो, कैसे याद करोगे, याद नहीं हो रहे, बहुत ट्राई कर लिया, ठीक है स्टैट्स भी बता देंगे, सब लोग पानी वानी पी के एक चक्कर काट के आ जाओ, 5-10 मिनट, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मतलब नहीं है, फिर आधे घंटे में कुछ होगा भी नहीं, हेलो सबको आवाज आ रही है, यस सर, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े स्लाइड्स बना लूंगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आज अपन ने
टुडे क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो लिख देता हूँ ताकि बाकी बच्चे तब तक आ जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था अपने? क्वाड्रेटिक। फिर अपने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, और दूसरा अपन ने पढ़ा बाइनोमियल। लगभग 2 घंटे में। January 15 सर, फिर बाद में रखे क्लास? बाद में, एक मम्मी बता दो, एक सेकंड, कल ही रखेंगे क्योंकि आप शाम को आपकी वापस फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस होगी, तो एक तो पीएनसी स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। कल की क्लास में हम क्या कवर करेंगे वो हल्का सा बता। सही वाली रिकॉर्डिंग कब मिलेगी क्योंकि लेट पता चला था मैं अभी। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी देखता हूँ, अभी तो अपलोड 6 बजे तक ट्राई करूंगा अपलोड करवाने की। ये 4 टॉपिक कल हम फिनिश करेंगे। टाइमिंग मॉर्निंग का रखना कि ये वाला शाम का? सर अभी मॉर्निंग में, इस हफ्ते मत रखो, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग? सर हमारे हिसाब से तो मॉर्निंग ही ठीक है, पूरा दिन मिल जाता है आराम से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। यस सर, मॉर्निंग में अच्छा है। मॉर्निंग का एक फायदा ये भी कि रिकॉर्डिंग टाइम पे अपलोड भी हो जाती है, तो मॉर्निंग में ही हम कल तुम आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। 9 AM 11:30 मेरे हिसाब से 2 घंटे में आराम से तीनों टॉपिक हो जाएंगे। देखो ये दोनों तो छोटे छोटे हैं तीनों, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो 11 बजे तक, 11 से 11:30 मान लो, ये 4 टॉपिक कल फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगर आफ्टरनून में अगर एक स्लॉट और निकालेंगे, ट्राई करेंगे आफ्टरनून में एक स्लॉट लेके 12th पे स्टार्ट कर देंगे, तो कल अपना 11th कवर हो जाएगा। आज जो पढ़ाया है वो समझ में आया सबको? यस सर, पूरा रिवाइज हो गया अच्छे से। अच्छे से हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार आप और अपने एंड पे शॉर्ट फॉर्मूला वगैरह बना लेना। कल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्लाइड्स अच्छे से और प्रिपेयर कर लूं, ताकि अपना टाइम कम होगा, टाइम बच जाएगा, मतलब मैं डायरेक्टली स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगा तो उसको फटाफट रिकैप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन पीएनसी स्टैटिस्टिक्स ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप चाहो तो आप लीव कर सकते हो। ओके सर, तो सर अभी कोई क्लास नहीं है इसके बाद मैथ की? नहीं नहीं, मैथ की आज कोई क्लास नहीं है। अब जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है, तो जिसको अभी मैं शेड्यूल भेज दूंगा, तो जिसको अटेंड करना वो अटेंड कर लेना। ठीक है, ओके सर, मैथ की क्लास नहीं।